A very, good even, a very good morning to all the students. Good morning. How ho aap sab? I am Komal Parekh and I welcome you all on today's session on design for Shear. We will start the session within one minute so that students join kar Good morning to all. Good morning Keisha good morning Jermith good morning Jay. let's start our today's session वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दई एम कोमल पर लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आप सभी का हमारी एस सी सिविल के चैनल में स्वागत है दिस इज आर अनकेडमी लर्निंग एप इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड दिस ऐप यू कैन डाउनलोड इड फ्रॉम प्ले स्टोर सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच द लाइव सेशन जिस तरह से यहाँ पर लाइव लेक्चर्स होते हैं उस तरह से वहाँ पर भी लाइव लेक्चर्स होते हैं सो so, आप वहां पर जाके भी सारे लेक्चर्स ऐसे एसेस कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम स्पेशल प्लस में आपको बहुत सारे और लाइव लेक्चर्स देखने मिलेंगे जिसके ये सारे बेनिफिट है so, अगर आप का ले रहे हैं देन फॉर वन ईयर आप कभी भी कोई भी लेक्चर इतनी बार देखना चाहे देख सकते हैं देर आर टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंक्रीज यूर स्कोर बहुत सारे अलग अलग इंटरेक्टिव uh, सेशन होते हैं अपार्ट फ्रॉम यूर टेक्निकल सेशन कि आप किस तरह से अपना स्कोर और इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरह से आप मैक्सिमम स्कोर करके मिस्टेक किए बिना कोई भी एग्जाम को अटेम्प कर सकते हैं फोर लेक्चर्स एक दो घंटे का डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहां पर स्टूडेंट्स जो डाउट भेजते हैं वही सिर्फ सॉल्व किए जाते हैं एंड ऑल द लेक्चर्स आर डाउनलोडेबल सो आप अगर अभी डाउनलोड करके बाद में देखना चाहें जब इंटरनेट नहीं है तभी भी आप देख सकते हैं वो सेशंस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर आप उसकी पी डी एफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सो so, आपको अगर नोट्स बनाने में अगर कहीं पर दिक्कत हुई हो तो आप वहाँ से नोट्स डायरेक्टली बना सकते हैं एंड देर इज रियल टाइम इंटरेक्शन विथ एजुकेटर मीन्स ऐसा होता था स्कूल में एंड कॉलेज में कि जो बच्चा लास्ट सीट पर बैठा है वो डाउट नहीं पूछ सकता है लेकिन यहाँ पर आप जस्ट कमेंट सेक्शन में मैसेज में डालिए और डायरेक्टली उसी टाइम पर एजुकेटर आपको रिप्लाई कर सकता है एंड यू कैन सी दैट ऑल द चार्जेस आर वेरी लो और यू कैन सी दे आर वेरी अफोर्डेबल अफोर्डेल मंथ सब्सक्रिप्शन इज एट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड इफ यू यूज दिस कोड यू कैन गेट टेन परसेंट ऑफ एंड द नेट प्राइस इज ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड देर इज ऑल्सो ट्वेंटी फोर मंथ्स कोर्स जिसमें आप अगर इफ यू यूज दिस कोड देन थर्टी थाउजेंड का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है यू कैन गेट इट एट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड दिस इज अबाउट गेट एंड ये सी सब्सक्रिप्शन उसके सिवाय भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है सिविल में सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट यू कैन जस्ट फिल दिस फीडबैक फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज़ वेरी सिंपल जस्ट फोर एंड फाइव स्टेप्स आर देयर एंड आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू टाइप माई नेम हियर सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट आई विल सॉल्व इट यस yes. चलो सब आज का हमारा जो टॉपिक है डिजाइन फॉर शेयर वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है हम लोगों ने डिजाइन फॉर फ्लेक्चर कंप्लीट कर लिया है लिमिट उसमें हम लोगों ने क्या देखा था लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स और फ्लेक्जर आज हम लोग जिस तरह से डिजाइन करेंगे इट विल बी बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर शेयर और शेयर के लिए जो आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में गाइडलाइंस गिवन है

अनअकेडेमी uh, पर एक घंटे का तो वहां पर हम लोग जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर के हैं स्पेशली शेयर के सो तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पर बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप लोगों ने ऑलरेडी शेयर पढ़ लिया है और अगर आपको लग रहा है जस्ट मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है देन यू कैन फोर थर्टी टू फाइव थर्टी आप वहां पर आकर क्वेश्चंस लगा सकते हैं ठीक है वहां पर मैं ई के गेट के पहले इन दोनों को हम लोग प्रायोरिटी देंगे उसके बाद अगर टाइम बचा तो एस एस जेई के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे ठीक है गुड मॉर्निंग चलो फिर हम लोग एंड में कोडल uh, गाइडलाइंस जिस तरह से आई एस फोर फाइव सिक्स टू में गिवन है वो भी एक बार आई एस फोर फाइव सिक्स टू में जाकर देखेंगे कहाँ पर किस तरह से गिवन है ठीक है यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं चलो सो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं शेयर को मैंने सबसे पहले तीन uh, तीन वे में डिफाइन किया है कि शेयर किस किस तरह से जनरेट हो थ्री वेज में आई एम डिफाइंड इट वो किस किस तरह से जनरेट हो सकता है उसके बाद हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि ये शेयर के कारण क्या स्ट्रक्चर पर इफेक्ट आ रही है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस शेयर को हम लोग किस तरह से काउंटर एक्ट कर सकते हैं सो so, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बहुत सारे हैं तो इसलिए मैंने आज का थोड़ा टॉपिक ऑलरेडी लिख कर रखा है इसलिए हमारा टाइम वेस्ट ना हो ओके सो द शर फोर्स इज ड्यू टू ये सारा डिस्कशन इन जनरल कर रहे हैं हम लोग ठीक है फिर हम लोग जो डिटेल में जो पार्ट हमको पढ़ने की जरूरत है आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आएगा आपको वो तो पढ़ेंगे ही और जो कोडल गाइडलाइंस उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम लोग आज का सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे ठीक है सो फ्लेक्चरल शेयर मीन्स हमको पता है कि अगर सपोज आई एम टेकिंग दिस बीम एंड अगर यहाँ पर एक यूडीएल लग रहा है तो हम लोगों को इसका बी पता है इस तरह से होता है एंड शियर फोर्स डायग्राम ठीक है हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं सो ड्यू टू दिस शेयर है कि हम लोग सो uh, so में ये ओके uh, okay. अब बराबर है माइक तो मैंने बराबर एडजस्ट कर दिया है जस्ट कंफर्म मेरा वॉइस बराबर है सेकंड हाँ माइक एकदम नजदीकी है आवाज अब बराबर है आवाज ओके ठीक है सो हम लोग ये सोमे पढ़ते हैं के, आ, हम लोग किस तरह से इसको शेयर फोर्स को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ठीक है सो so बेंडिंग के कारण जो शेयर फोर्स उसके साथ अटैच है उसको हम लोग शेयर कहते हैं फ्लेक्चुरल शेयर और इन जनरल हमको इस, हम इसको शेयर कहते हैं एक एग्जाम्पल के साथ हमको हम इसको लेकर समझते हैं कि क्या कह रहा है सपोज सपोज यहां पर एक कॉलम है मेरा ठीक है सर्कुलर कॉलम लेते हैं ठीक है और उसके नीचे मैंने एक फुटिंग प्रोवाइड किया है ठीक है सो इसके कारण क्या हो रहा है यहां पर ये यह जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा होगा यू कैन से इट एज अ कंसेंट्रेटेड लोड कंसेंट्रेटेड लोड आ रहा है एक वेरी थिन मेंबर पर जिसकी सपोज uh, इसकी इसकी जो डेप्थ है ये डी है ठीक है सो इतनी सी थिकनेस पर एक कंसेंट्रेटेड लोड लग रहा है एंड उसके कारण जो शेयर फोर्स जनरेट होता है उसे हम लोग पंचिंग शेयर कहते हैं ठीक है हम लोग जब फुटिंग पड़ेंगे तब हम देखेंगे कि uh, इसको हम लोग क्या कहते हैं टू वे शेयर ठीक है वो लोग वो हम लोग जब पंचिंग शेयर फुटिंग में आएगा तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट इन जनरल मैं आपको शेयर पढ़ा रही हूँ इसलिए जस्ट यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि शेयर इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लेक्शियर देन पंचिंग शेयर एंड थर्ड वन इज टॉर्शनल शेयर अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन शेयर डेवलप्ड ड्यू टू दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल शेयर हम लोग आगे टॉर्शन के लिए भी पूरा अलग से एक लेक्चर रखेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग शेयर फोर्स को सॉरी टॉर्शनल फोर्स को इक्वेलेंट शेयर फोर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग उसका डिजाइन करते हैं ठीक है सो ये वाला टॉपिक भी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं जस्ट इन जनरल मैंने आपको डिफाइन किया है कि शेयर इज ड्यू टू फ्लेक्चर देन पंचिंग एंड टॉर्शनल शेयर वॉइस वेरी लो क्यों ऐसा हो रहा है आज पता नहीं हेलो इज इट नाउ ऑडिबल अब आवाज बराबर आ रही है इज इट नाउ ऑडिबल कोई बात नहीं कोई बात ओके कोई बात नहीं चलो इट्स फाइन तो शी फोर्स को हम लोगों ने तीन तरह से डिफाइन किया नाउ uh, अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे वन इज डायगनल टेंशन एंड द अदर इज डायगनल कंप्रेशन ठीक है इससे हम लोग को क्या इफेक्ट आने वाली है वो देखना बहुत जरूरी है सो so, ये किस तरह से ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए सबसे पहले आप ये देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने ली है ठीक है जिसके ऊपर एक डब्लू लोड आ रहा है विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है दिज आर द सपोर्ट्स सो ड्यू टू दिस लोड यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया है ठीक है दिस इज एन इन्फाइनाइट सिमल एलिमेंट पैलिंग देख लेना इन्फाइनाइट सिमल एलिमेंट मीन्स बहुत एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है एंड उसको यहाँ पर मैंने जूम किया है ठीक है so, सो आप लोगों ने सोम में प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन पड़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब एक एलिमेंट लेते हैं एंड दिस ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कमिंग ओवर इट यहाँ पर इस तरह से शेयर इस तरह से डेवलप होंगे ठीक है यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन आएगा सो so, यहाँ पर हम लोग इस तरह से इस डायरेक्शन को ले रहे हैं सो so, इसके अपोजिट यहाँ पर इस तरह से बनता है एक एलिमेंट ए लिया है एंड उसको हमने मैग्नीफाई किया है सो so, यहाँ पर इस तरह से इस डायरेक्शन में ऊपर आया और इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये नीचे आया ठीक है इसको हम लोग शेयर कहते हैं एंड इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं सिग्मा सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा ठीक है सो हम लोग दो टाइप के उसमें देखते हैं एक होता है सिग्मा एक होता है शीयर स्ट्रेस तो सिग्मा इज नॉर्मल स्ट्रेस टाओ इज शीयर स्ट्रेस एंड ड्यू टू दैट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेस हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस उस एलिमेंट पे कितने आ रहे हैं उसका फॉर्मुला हम लोग इन जनरल ये वाला पढ़ते हैं सिग्मा वन और सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस और माइनस सिग्मा सिग्माएक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस ठीक है टाउ एक्स वाई स्क्र इस तरह से आप पढ़ते होंगे ठीक है so, सो वैसे इतना अगर आपको सोम याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं डोंट वरी जस्ट हमको इसका जो फाइनल रिजल्ट है वही लेके जाना है लेकिन वो किस तरह से आया उसका जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रही हूँ ठीक है so, सो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस कोई भी जगह पर फाइंड करते हैं एंड आफ्टर दैट आफ्टर फाइंडिंग सिग्मा वन एंड सिग्मा टू हम लोग देखते हैं कि ये कौन से प्लेन पर लग रहा है प्रिंसिपल प्लेन हम इसका फाइंड करते हैं विच इज टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिगमा एक्स माइनस सिगमा वाई इस तरह से हम लोग लिखते हैं जिस तरह से हम जिससे हमको पता चलता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है वो कौन से प्लेन पर लग रहा है ठीक है सो अब लोग अब हमको पता है अगर प्लस साइन लेके चलते हैं हम लोग तो ये होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विच इज सिग्मा वन एंड सिग्मा टू इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अब हम लोगों ने दो स्ट्रेसेस देखे दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर अब हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं आगे वो देखते हैं ये तो सोम का पार्ट था आप लोगों ने ये बेसिक तो पढ़ा ही होगा ठीक है कि एक एलिमेंट लेकर हम लोग इसको इस तरह से एनालाइज करते हैं अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन टेंशन और यू कैन से इन इज टेंसाइल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज टेंसाइल देखो यहाँ पर ये देख रहे हो आप ये इस तरह से इसको इस तरह से ऊपर यहाँ पर खींच रहा है एंड ये यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्रेस करने की ट्राई कर रहा है सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज टेल विच इज सिग्मा सिमाई टू प्लस वही फॉर्मुला है जस्ट हम लोग प्लस साइन कंसिडर करके उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से डिनोट कर रहे हैं एंड द सेकेंड इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड विच इज कंप्रेसिव और उसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर रहे हैं सिग्मा टू विच इज सिग्मा बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वेयर सो so, हम लोगों ने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किस तरह से यहाँ पर आए वो देखा अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे इफ फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इफ़ बेंडिंग मोमेंट इज जीरो अगर कोई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा है लेट्स से हमको पता है सपोर्ट पर सिंपली सपोर्टेड बीम पर बेंडिंग मोमेंट वहां पर जीरो आता है सो so, वहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस इज ज़ीरो देन सिग्मा वन प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा को अगर मैं ज़ीरो पुट कर दूंगी तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा शीयर स्ट्रेस रेस टाउ एंड सिग्मा टू क्या हो जाएगा वो भी इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू टाउ बट इट विल बी माइनस टाउ ठीक है सो सिग्मा वन इज इक्वल टू टाउ सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस टाउ एंड टेन टू थीटा वन टेन टू थीटान क्या है टेन टू थीटान से हम लोग क्या फाइंड करते हैं द प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन वो मुझे कैसे मिलेगा टू टाउ एक्सवाई अपॉन सिग्मा सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ पर जीरो पुट कर रही हूँ सो so, क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा एंड टेन इनवर्स इंफिनिटी से हम आ, थीटा की वैल्यू फाइन कर सकते हैं विच इज फोर्टी फाइव डिग्री और वन थर्टी फाइव डिग्री ठीक है सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नियर सपोर्ट ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम प्रिंसिपल टेंशन सिग्मा वन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एंड इज इंक्लाइंड एट फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है प्रिंसिपल टेंशन सिग्मा वन का मुझे आ, एक प्लेन मिला वो कहाँ पर लग रहा है फोर्टी फाइव डिग्री

सो विच इज़ परपेंडिकुलर टू डायगोनल टेंशन मीन्स हम लोग उसका इंक्लिनेशन देखेंगे सो क्रैक्स विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ हॉरिजोंटल विच इज़ परपेंडिकुलर टू डायगोनल टेंशन अभी ये क्रैक्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं वो हम लोग फिगर से डिटेल में समझने वाले हैं जस्ट आप यहाँ से ध्यान रखिए कि सपोर्ट पर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल भी इक्वल टू प्रिंसिपल टेंशन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस विच इज इंक्लाइंड एट फोर्टी डिग्री जो मुझे टेन थीटा वन से मिला टेन टू थीटा वन से एंड उसमें मुझे पता चला कि उसके कारण कंक्रीट वीक होने के कारण एन टेंशन कंक्रीट नियर द सपोर्ट क्रैक्स एट 45 डिग्री डिग्री हॉरिजॉन्टल विच इज परपेंडिकुलर टू डाइगनल टेंशन ये सब वैसे थोड़ा बहुत सोम का पार्ट है जस्ट इसका जो रिजल्ट है ना वही हमको यहाँ से आगे लेकर जाना है कि कहां पर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं एट सपोर्ट पर फोर्टी डिग्री ठीक है अब दूसरा कौन सा था एक तो मुझे मिला सिग्मा वन इज इक्वल टू टाउ वन इज सिग्मा वन इज इक्वल टू टाउ अदर इज सिग्मा वन इज इक्वल टू माइनस टाउ ठीक so, so, है द अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लोकेटेड एट डिग्री एंड इज कंप्रेसिव जो कंप्रेसिव है दिस इज नोन एज डायगनल कंप्रेशन जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम लोग डायगेल कंप्रेशन कहते हैं देखो यहां पर ये जो था ये वाला दिस इज डायगनल टेंशन ये वाला एंड ये है डायगनल कंप्रेशन ठीक है सो ये वाला जो डाइगनल कंप्रेशन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी दिस इज नोन एज डायगनल कंप्रेशन इज एंड इज ऑफ सेम वैल्यू एज शेयर स्ट्रेस वो भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस टाउप डायग्नल टेंशन कैसे आ रहा है फोर्स तो एक्स वाई प्लेन में था देखो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया वहां पर मैंने शियर फोर्स देखा कि यहाँ पर क्या होगा शेयर फोर्स कितना होगा और अगर W आ रहा है तो डब्ल्यू एल बाई टू होगा और यू कैन से यहाँ पर मैक्सिमम आएगा ये वाला आपको पता होगा सोम में आपने पढ़ा होगा ये वाला फिगर ठीक है तो आपको पता होगा यहाँ पर मैक्सिमम आता है अगर ये आपको साइड फिगर नहीं दिख रही होगी ना देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती है ये आपको पता चल गया अब अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब आप ऐसे पूछ रहे हो ना कि डायग्नल टेंशन कैसे आ रहा है यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू आई सो so, देखो एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट जीरो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया बेंडिंग मोमेंट जीरो मीन्स बेंडिंग मोमेंट के कारण देखो हम लोग करते हैं ना एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई ठीक है तो ये शीयर स्ट्रेस हो गया अरे सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस हो गया सो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ से मुझे पता चल रहा है अगर बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरा जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो गई सो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू दिस इज इक्वल टू टाउ रूट ऑफ़ तो सिर्फ ही डेवलप होगा देखो स्ट्रेस हो रहा है अब उसका हम लोग इंक्लिनेशन किस तरह से फाइंड करते हैं इसका सो so, इसका इंक्लिनेशन हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि ये अगर और सि, और सिग्मा वन आ रहा है तो उसका इंक्लिनेशन फाइंड करने का फॉर्मला है टेन टू थी अपॉन सिग्मा सिग्मा की वैल्यू हमको पता है जीरो है समझ रहे हो आप देव ये इसकी वैल्यू जीरो है तो टेन टू थीटा वन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई सो थीटा मुझे यहां से फोर्टी फाइव मिला इसलिए मैंने आपको कहा वेरी गुड वेरी गुड चलो सो so, अब हमको पता है कॉन्क्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन

यहाँ पर डाइगनल कंप्रेशन आ रहा है एंड यहाँ पर ये डाइगनल कंप्रेशन है आप समझ रहे हो ना ये ये इसको इस तरह से खींच रहा है ये इस तरह से इस तरह से खींचा जाएगा इसके कारण क्या होगा यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स आएगा एंड यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस दिस इज

सपोर्ट है नियर द सपोर्ट ए हम लोगों ने जो फिगर बनाई थी वही है नियर द सपोर्ट ए यहाँ पर क्या हो रहा है इस तरह से शेयर जो पहले फिगर बनाई थी वही है तो so, यहाँ पर ये डायगनल टेंशन आ रहा है यहाँ पर डायगनल कंप्रेशन आ रहा है ये वाला तो आपको क्लियर है लेकिन उसके अपोजिट साइड क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो चेंज हो जाएगी शेयर की ठीक है लेकिन जनरेट तो वही होगा इस तरह इस साइड डाइगनल कंप्रेशन आएगा एंड यहाँ पर डायगनल टेंशन आएगा जो क्रैक्स है जो पहले इस तरह से डेवलप हो रहे थे इस तरह से उसके बदले ये इस तरह से होंगे ठीक है जस्ट उसका यू कैन से मिरर इमेज इस साइड बन रही है ठीक है ठीक नियर सपोर्ट ए सो दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी ए एंड बी पर जो एक एलिमेंट था उसका एनालिसिस करके हम लोगों ने दो पॉइंट्स डिफाइन कर दिए डाइगनल कंप्रेशन एंड डायगनल टेंशन अब यहाँ पर बीच की बात होती है अगर यहाँ पर बीच पर कोई एलिमेंट है तो उस पर क्या होगा सो सेकेंड पॉइंट इज वेन बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम हमको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम की हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली इसलिए आपको समझ में आ जाए ठीक है यहाँ पर एक यूडीएल लग रहा है एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पर बीच पर क्या होगा जो बेंडिंग स्ट्रेस है मीन्स जो बेंडिंग मोमेंट है उसके कारण आ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस और वो होगा मैक्सिमम एंड वाइल शीयर स्ट्रेस इज जीरो वहां पर शीयर स्ट्रेस जीरो होगा सो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा एंड अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा वन हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया था सिग्मा बाई टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अच्छा सिग्मा वन है तो सिर्फ प्लस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाई टू का स्क्वायर प्लस टाओ स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से अगर टाओ की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई टू प्लस सिगमा बाई बी इक्वल टू सिग्मा सो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या आएगा और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा और जो शीयर स्ट्रेस है वो जीरो हो जाएगा और उसका हम लोग अगर थी टेन टू थीटा वन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा थीटा का नाइनटी ठीक है सो उसका मतलब क्या है यहाँ पर क्रैक्स इस तरह से डेवलप होंगे नाइन्टी डिग्री पर सो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन एंड क्रैक्स विल बी वर्टिकल ठीक है वेरी गुड सो यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने लिया बीच में उसका मैंने एनालिसिस किया तो यहाँ पर सिर्फ लग रहा है सिग्मा जिसे हम लोग कहते हैं प्योर फ्लेक्शर सिर्फ यहाँ पर फ्लेक्चरल uh, स्ट्रेस ही डेवलप हो रहे हैं विल प्योर सेक्शर एंड दीज क्रैक्स आर कॉल्ड फ्लेक्चरल क्रैक्स ठीक है दिस क्रैक्स आर नोन एज फ्लेक्चरल क्रैक्स सो अब हम लोग तीन मोड्स ऑफ फेलियर है वो तीनों के तीन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज डाइगनल वेरी गुड फर्स्ट इज डायगनल टेंशन फेलियर सो किसके कारण हो रहा था शीयर फोर्स बहुत ज्यादा था बेंडिंग वॉइट बहुत कम था इट वॉज एट द सपोर्ट एंड इट वॉज एट फोर्टी फाइव डिग्री विथ हॉरिजोंटल ठीक है एक बीम हम लोगों ने लिया है विच इज़ सिंपली सपोर्टेड एंड इस तरह से यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं विच इज एट फोर्टी फाइव डिग्री विथ हॉरिजोंटल सो ये वाला रिजल्ट था यही मेन था लेकिन ये किस तरह से आया उसका जस्ट जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो सोम से हम लोग लेके यहाँ पर लाते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ठीक है तो दिस इज डायगनल टेंशन फेलियर अब द नेक्स्ट इज फ्लेक्चुरल शीयर फेलियर मीन्स यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बेंडिंग मोमेंट uh, बहुत ज्यादा है एंड शेयर फोर्स है वो बहुत कम है ठीक है बेंडिंग मोमेंट इज हाई एंड शेयर फोर्स इज लेस विच इज़ नाइन्टी डिग्री टू हॉरिजोंटल वो हम लोगों ने देखा नाइन्टी डिग्री किस तरह से आया अब फ्लैक्चुरैक्स अकर इन कम इन कम्बिनेशन ऑफ ओके यहाँ पर आएगा कॉम्बिनेशन ज कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ डायगनल टेंशन क्रैक मीन्स फ्लेक्जरल शेयर क्रैक मीन्स ये क्या हो रहा है सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने फिगर अगर आपको नहीं दिख रही है देखो सबसे पहले ये फ्लैक्जरल क्रैक्स इस तरह से डेवलप होंगे नाइन्टी डिग्री पर एंड देन दे विल प्रपोगेट एट फोर्टी फाइव डिग्री मीन्स क्या हो रहा है फ्लेक्जरल क्रैक अकर्स एंड उसके साथ क्या हो रहा है डायगनल टेंशन क्रैक्स हो रहे हैं ठीक है सो दिस इज द यूजली इस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं हाँ, ओके डायगोनल टेंशन क्रैक्स यहां पर सपोर्ट पर हो रहे हैं अब नेक्स्ट में मैं ऐसे बोल रही हूं कि अगर फ्लेक्चर के कारण हो रहे हैं तो वो कैसे होते हैं जनरली स्टार्टिंग में एक ही सेकेंड आपको यही फिगर स्लाइड देखना था ना आप देख लो लेकिन ये हो गया है जस्ट ओके तो सबसे पहला मोड ऑफ फेलियर हम लोगों ने डिफाइन किया डायगोनल टेंशन फेलियर शीयर फोर्स वाज वेरी हाई एंड बेंडिंग मोमेंट वाज कंपैरेटिवली लेस व्हिच इज एट फोर्टी फाइव डिग्री विथ हॉरिजोंटल बिफोर दिस स्लाइड ओके दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन जब बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम था एंड शियर स्ट्रेस जीरो था इसके कारण हमको सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की वैल्यू मिली थी सिग्मा एंड उसका इंक्लिनेशन था नाइन्टी डिग्री ठीक है वो इस तरह से प्रोपाकेट हो रहे थे सो प्रिंसिपल टेंसाइल क्रैक्स एक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड क्रैक्स विल बी वर्टिकल ठीक है सो इसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और जो शीयर स्ट्रेस है वो जीरो होगा ठीक है वेरी गुड चलो सो जनरली फ्लेक्जरल क्रैक्स फॉर्म्स फर्स्ट सबसे पहले फ्लेक्जरल क्रैक्स एट नाइन्टी डिग्री फॉर्म होंगे हाँ हाँ वही अब अब मैं वही एक्सप्लेन करी देखो फ्लेक्जरल ये कौन सा है फ्लेक्जरल शेयर फेलियर मीन्स सबसे पहले इसमें फ्लेक्जरल क्रैक्स इस तरह से आएंगे इस तरह से एट फोर्टी सॉरी एट नाइन्टी डिग्री सबसे पहले ये नाइन्टी डिग्री पर डेवलप होंगे एंड आफ्टर दैट ये जनरली ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व होता है दैट जनरली फ्लेक्जरल क्रैक फॉर्म्स फर्स्ट जो हम लोग ने देख लिया कि नाइन्टी डिग्री पर हो रहे हैं ठीक है फ्लेक्जरल क्रैक्स नाइन्टी डिग्री पर यहाँ पर डेवलप हुए आप लोगों ने देखा ये नाइन्टी डिग्री पर डेवलप हुए अब उसके बाद क्या होता है सबसे पहले फ्लेक्जरल क्रैक फॉर्म होने के बाद एंड ड्यू टू इंक्रीज शीयर स्ट्रेस एट द टिप ऑफ क्रैक ये 90 डिग्री पर डेवलप हुए अब उसके बाद यहां पर टिप पर शीयर स्ट्रेस बढ़ने के कारण दिस फ्लेक्जरल क्रैक एक्सटेंड्स इन टू टेंशन क्रैक ठीक है इसलिए हम उसको फ्लेक्जरल शीयर फेलियर कहते हैं समझे देव वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर जनरली सबसे पहले फ्लेक्जरल क्रैक डेवलप होते हैं Uh, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो एंड आफ्टर दैट शेयर स्ट्रेस है वो तो उस पर आ ही रहा है सो so, जब जिस तरह से शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होता जाता है इंक्रीज होता जाता है उसके साथ साथ उसमें डायगनल क्रैक्स डायगेल टेंशन क्रैक्स डेवलप होते हैं विच इज एट 45 डिग्री वो तो हम लोगों ने देख लिया कि वो 45 डिग्री पर होते हैं क्लियर सो फ्लेक्जरल क्रैक इज एट 90 डिग्री बट फ्लेक्जरल शीयर क्रैक आफ्टर इंक्रीजिंग एट 90 डिग्री उसके बाद वो डायगेल टेंशन क्रैक्स में uh, और रिजल्ट करेंगे अभी मैं आपको आगे फिगर बताऊंगी उसमें आपको एग्जैक्टली exactly क्लियर हो जाएगा कि क्या हो क्या रहा है ठीक है सो थर्ड इज डायगोनल कंप्रेशन फेलियर इसके कारण होगा शियर फोर्सेस वेरी हाई एंड इसके कारण क्या होता है क्रशिंग ऑफ कंक्रीट देखो ये यह यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है एंड ड्यू टू दिस कंप्रेशन यहां पर कंप्रेशन आने के कारण इस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं हां हाँ अवे फ्रॉम द मिड सेक्शन उसका लोकेशन में अभी आपको फिगर में बताऊँगी ठीक है सो क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट विल अकर अब ये वाला डायग्नल कंप्रेशन फेलियर वाला चेक भी हम लोगों को लगाना होता है बिफोर डिजाइनिंग द सेक्शन सो किस तरह से हम लोग चेक करते हैं वो मैं आपको आगे जब डिजाइन पड़ेंगे हम लोग तब मैं आपको बताऊँगी ठीक है तो दिस इज़ डायगनल कंप्रेशन फेलियर हम लोगों ने तीन फेलियर देख लिया डायग्नल टेंशन देन फ्लेक्जरल शेयर एंड द थर्ड इज़ डायग्नल कंप्रेशन फेलियर अब आप ये फिगर ध्यान से देखिए दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन रेनफोस्ड कॉन्क्रीट बीम ठीक है यहाँ पर मैंने बीम लिखा है शायद आपको ये वाला कॉर्नर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है रेनफोस्ड कॉन्क्रीट बीम एक सिंपली सपोर्टेड मैंने बीम लिया है ठीक है दिस इज दिस इज स्टेप वन उसमें सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर ऊपर से लोड आ रहे हैं इस तरह से यहाँ पर ऊपर से लोड आ रहे हैं नीचे ठीक है जस्ट आप सबसे पहले ये फर्स्ट वाली फिगर देखो यहाँ पर ऊपर से लोड आ रहे हैं इस बीम पर और ये यहां पर नीचे से सपोर्टेड है सिंपली सपोर्टेड है ठीक है तो लोड आने के कारण सबसे पहले इस तरह से यहां पर क्रैक्स डेवलप होते हैं ठीक है इस तरह से ये हम लोग जो फ्लेक्चरल कह रहे थे वो वाले ठीक है इस वाले लोकेशन पर अब उसके बाद क्या होता है दिस इज द इनिशिएशन ऑफ क्रैक्स उसके बाद क्या होता है ग्रोथ ऑफ फ्लेक्चरल क्रैक एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्चरल शियर उसके बाद फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स आएंगे एंड डायगनल टेंशन क्रैक्स उसके बाद ये वाले दो क्रैक्स आएंगे देखो ये वाले तो थे ही अब उसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पर ये जो क्रैक्स थे वो इस तरह इंक्लाइन होने लगेंगे सो so, इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्लेक्जल शेयर क्रैक्स ठीक है यहाँ पर डायगनल टेंशन क्रैक्स और दूर दूर डायगनल टेंशन क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट होंगे एंड द थर्ड इज दिस इज स्टेप वन दिस इज स्टेप टू एंड दिस इज स्टेप थ्री इसमें क्या हो रहा है क्रैक्स बिफोर फेलियर सो फेलियर होने से पहले जिस तरह से क्रैक्स डेवलप होंगे उसकी बात हो रही है सो so, ये वाले जो फ्लेक्चरल क्रैक्स है वो और बढ़ जाएंगे फ्लैक्ल फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स है उनकी भी साइज बढ़ेगी एंड यहाँ पर इस तरह से डाइगनल अटेंशन क्रैक्स फुल्ली डेवलप हो जाएंगे सो so, यहाँ पर मैंने लिखा है एट द इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये जो मिडल पोर्शन है इस पोर्शन में फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स आ रहे हैं ठीक है दिस इज़ फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स अब अब उसके उसके बाद बाद ने जो तीन किए थे ना वही है ठीक है ठीक uh, 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 थोड़े point तक flexural shear cracks आपको देखेंगे सबसे पहले वो नाइन्टी डिग्री पर होंगे उसके बाद वो इंटलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे समझ रहे हो ये फ्लेक्जरल शेयर क्रैक्स आर अवे फ्रॉम द मिड सेक्शन ये मिड सेक्शन है उसे थोड़े डिस्टेंस पर फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स डेवलप हुए यहाँ पर भी और इस साइड भी होंगे इस साइड मैंने लिखा नहीं है इन द लास्ट इज डायगनल टेंशन क्रैक्स जो एक्जैक्टली फोर्टी फाइव डिग्री पर हमको देखने को मिलते हैं जनरली थर्टी से सिक्सटी डिग्री होता है लेकिन वी विल कंसिडर एट इट एज फोर्टी फाइव डिग्री इस साइड भी होंगे एट द सपोर्ट एंड इस साइड भी होंगे नियर द सपोर्ट डायगनल टेंशन क्रैक्स हमको देखेंगे समझ गए अब देव आपको समझ में आ गया Uh, मैं क्या कह रही थी फ्लेक्शरल शेयर क्रैक में ओके okay. सो so, अब हम लोगों ने तीन डिफाइन कर दिए हैं कि किस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं अब हम लोग देखेंगे कि इस uh, शेयर के कारण हम लोग किस तरह से स्ट्रेसेस uh, डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेस उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कि कॉन्क्रीट की खुद की स्ट्रेंथ है कितनी एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट वेरी गुड चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस वाला पोर्शन हम लोग तीन टाइप के पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल जिसको हम लोग कहते हैं टाउ वी अब इसका जो डेरिवेशन है मैं आपको वो नहीं करा रही हूं डायरेक्टली जो आईडी आई एस कोड में जिस तरह से उन लोगों ने डिफाइन किया है हम लोग उसी पर डायरेक्टली जाएंगे देखो अगर हम लोग ये एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं दिस इज अ सेक्शन तो इस पर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा अगर ये होमोजीनियस सेक्शन है तो कुछ इस तरह से होता है ठीक है इस तरह से इस तरह से इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है आप लोगों ने फॉमूला पढ़ा होगा वो वाला पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी ये वाला पोर्शन आप लोगों ने देख लिया होगा इससे ये इसको यूज़ करके ये वाला शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है आता है लेकिन हमारा कॉन्क्रीट कौन सा है रेनफोज कॉन्क्रीट है ठीक है सो हम लोग इसको अज्यूम किस तरह से करते हैं कि ये जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये इस तरह से ना होकर इस तरह से हो रहा है यहाँ तक पैराबोलिक एंड आफ्टर दैट इट विल बी कॉन्स्टेंट ठीक है हम लोग इस तरह से लेते हैं ये कॉन्स्टेंट है हाँ ठीक है पर ओके okay, पीडीएफ में ऐसा होगा तो ग्रुप में भेज दूंगी लेट्स क्रैक गेट एन ई सिविल में लेकिन मुझे टीम से पूछना पड़ेगा कि यूट्यूब की पीडीएफ हम लोग शेयर कर सकते हैं कि नहीं अगर आपको ऐसा हो तो आ, लास्ट में है ना थोड़ा टाइम और हम लोग लास्ट में दो तीन मिनट रखेंगे आप स्क्रीन शॉट लेना ले लेना ऐसा हो तो ठीक है ओके okay, देव सो दिस इज द शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पर होता है पैराबोलिक दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम हाँ लास्ट में ऐसा हो तो फिर आप स्क्रीन शॉट ले लेना सो so, ये है एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम लेकिन हम इसको अज्यूम एज पर द आई एस कोड उन लोगों ने कहा है कि आप इस तरह से अज्यूम ना करके ओके okay. इस तरह से आप इसका एवरेज वैल्यू ले लीजिए रुको यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा ना मैं यहीं पर बना देती हूँ ये अगर एक्चुअल है ये एक्चुअल है न्यूट्रल एक्सिस के बाद हम लोग उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं क्योंकि ये वाला सीयर डिस्ट्रीब्यूशन ना लेकर हमको कहा है आई कोड में कि आप ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन करो तो दिस इज द अज्यूम्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है और उसके बेसिस पर नॉमिनल वो डिफाइन हुआ है अब हम लोग इसके बेसिस पर नॉमिनल शीयर स्ट्रेस किस तरह से डिफाइन होता है टाउ वी वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है सो इट इज डिफाइंड एज टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी ठीक है वी यू क्या है अब मैं वी यू भी लिख देती हूँ वी यू बाई बी डी ये हमको लेना है शीयर स्ट्रेस ये शीयर स्ट्रेस किस तरह से आया क्योंकि यहाँ पर एक हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर बीम के ऊपर शीयर फोर्स डेवलप होने वाला है वो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से शीयर फोर्स डेवलप हुआ सो तो यहाँ पर आ रहा है एक फैक्टर्ड शीयर फोर्स हमको पता है कि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में क्या करते हैं जो भी फोर्स आ रहा है उसको फैक्टर करने के बाद लेते हैं सो दिस इज द फैक्टर्ड शीयर फोर्स फैक्टर चीय फोर्स एंड बी डी इज द क्रॉस सेक्शन ठीक है क्लियर सो अब हम लोग देखेंगे अच्छा हम लोग आ, बाद में देख लेंगे ये इसका कौन सा लोकेशन होता है जहां पर ये डेवलप होता है कि पहले देख लेते हैं ओके okay, देख लेते हैं अभी ओके okay, यहाँ पर मैंने कहा है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर मैंने आपको एक फिगर बताई उसमें मैंने कहा कि उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है हर एक लोकेशन पर सो so, हम लोग कौन से लोकेशन का शेयर स्ट्रेस कंसीडर करेंगे उसके लिए आई कोड ने कहा है कि अगर व्हेन अ रिएक्शन व्हेन रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड शेयर इंट्रोड्यूस कंप्रेशन ठीक है कंप्रेशन इन द एंड रीजन ऑफ मेम्बर अगर यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स डेवलप हो रहा है आपको पता है यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स आएगा अगर ये सिंपली सपोर्टेड है और इस वाले केस में यहाँ पर अगर मैं उसको उल्टा लगा रही हूँ तो यहाँ पर टेंशन uh, फोर्स आएगा ठीक है सो so, अगर एक ही सेकेंड सो so, अगर यहाँ पर रिएक्शन के कारण वेन रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड शेर इंट्रोड्यूस कंप्रेशन इन टू एंड रीजन ठीक है इन द एंड रीजन ऑफ मेंबर शीयर फोर्स कंप्यूटेड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द अच्छा ये डिस्टेंस डी क्या है इट इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट इज टू बी यूज फॉर डिजाइन ऑफ सेक्शन लोकेटेड एट डिस्टेंस लेस देन डी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट उसका मतलब क्या है कि हम लोग जब शेयर के लिए डिजाइन करेंगे तो हम लोग हम मैंने आपको कहा ना कि वी यू हम लोग लेंगे फैक्टर्ड शेयर फोर्स तो वो कौन सी लोकेशन का हम लोग लेंगे सो so, अगर डिस्टेंस लेस देन डी है इस वाले डिस्टेंस के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर ये जो शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है वी यू फैक्टर्ड शेयर फोर्स यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है उसके लिए हम लोग सेक्शन डिज़ाइन करेंगे ठीक है वेन रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड शेयर इंट्रोड्यूस कंप्रेशन जब कंप्रेशन आ रहा है तब यहां पर भी कंप्रेशन आ रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इफ दिस इज एक कॉलम है ऊपर से कंटिन्यूस है यहाँ पर एंड नीचे से भी कंटीन्यूस है और ये एक बीम है ठीक है तो यहां पर भी अगर यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा तो यहां पर हम लोग एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट हम लोग शेयर फैक्टर्ड शेयर फोर्स वी यू कैलकुलेट करेंगे एंड इज डिजाइंड गुड मॉर्निंग एंड इज टू बी डिजाइंड फॉर सेक्शन लोकेटेड एट डिस्टेंस लेस देन डी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट ठीक है ये वाला जो डिस्टेंस है इसके लिए हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर जो शेयर फोर्स आ रहा है उसके लिए करेंगे हम लोग आई एस कोड में भी देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर डिफाइंड है लास्ट में हम लोग वहाँ पर भी देख लेंगे कॉलम एंड यहाँ पर एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम सो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं बट इफ वेन द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड शेयर इंट्रोड्यूस टेंशन अगर यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है टेंशन इन टू द एंड रीजन ऑफ मेम्बर द शर फोर्स इज टू बी कंप्यूटेड एट द फेस ऑफ सपोर्ट ऑफ द मेंबर एट दैट सेक्शन यहाँ पर फेस पर जो डेवलप होगा एट द फेस ऑफ सपोर्ट ऑफ मेंबर एट दैट सेक्शन ठीक है सो so, ये वाला क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा फॉर शीयर आ रहा है आपको समझ में इसके ऊपर एक ई एस सी में क्वेश्चन आया था आ, उसमें कंप्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा था ऐसा हो तो हम लोग अभी कर लेते हैं सो so, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फाइंड करना है उसको तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर इट इज़ कंप्रेशन में एट द डी डिस्टेंस एंड टेंशन में एट द फेस ऑफ सपोर्ट तो हम लोग उसका क्वेश्चन है वो भी कर ही लेते हैं रुको मैं आपको क्वेश्चन लिखा देती हूँ तो so, साथ साथ में वो कंप्लीट हो जाएगा ओके राइट डाउन द क्वेश्चन चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो जाए पोर्शन रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ टेन मीटर इफेक्टिव स्पान एंड वन मीटर इफेक्टिव डेप्थ मोड्स ऑफ फेलियर का लास्ट स्लाइड वो आपको देखना है केशव ये हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर दे उसके बाद मैं कर देती हूँ मोड्स ऑफ फेलियर मीन्स वो डायग्नल कंप्रेशन फेलियर ना हाँ हाँ वो मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं कर देती हूँ आप लोग ये ट्राई कीजिए ठीक है मैंने अभी आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो तो बता दिया है एक कॉलम है 500 हंड्रेड एम एम बाई फाइव हंड्रेड का उसके ऊपर हम लोगों ने आर सी रखा है ये ई ए सी का ई ए सी टू थाउजेंड थ्री का क्वेश्चन है विच इज आज इन टू मार्क्स ठीक है इफ टोटल यू डी एल Is total UDL on beam is 10 mega Newton per meter. The design shear force for beam is design shear force for beam is. अब ये क्वेश्चन समझिए उसके बाद में आपको सॉल्व तो कराई दूंगी पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझिए डिजाइन शेयर फोर्स हमको फाइंड करना है ठीक है ऑप्शन दिए हैं आपको इसमें लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर देंगे अब बराबर है क्वेश्चन इतना गिवन है, टेन मीटर्स ठीक है इफेक्टिव स्पान है ये टेन मीटर इज द इफेक्टिव स्पान चलो मैं अब सॉल्व करा देती हूँ आप लोग देखो यहाँ पर देखो हमको क्या गिवन है एक आर सी बीम गिवन है टेन मीटर उसका स्पान है यहाँ पर मैंने उसका सिंपल फिगर यहाँ पर बनाया है आ, उसके ऊपर एक यूडीएल लग रहा है टेन न्यूटन पर मीटर आंसर आंसर नहीं फिफ्टी नहीं आ रहा है देखो उसके ऊपर टेन मेगा न्यूटन पर मीटर का यू लग रहा है इफ़ टोटल यू डी एल इज़ टेन डिजाइन शेयर फोर्स फॉर द बीम इज अब हमको अब हम लोग सिंपली वी कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर वी कितना आएगा डब्ल्यू एल बाई टू यहां पर आएगा डब्लू एल बाई टू बट हमको कहाँ पर देखना है अब यहां पर सपोर्ट पर कितना आएगा एट दिस डिस्टेंस इट विल बी टेन डब्लू इन टू लेंथ इज इफेक्टिव लेंथ इज टेन बाई टू माइनस अब हम लोग माइनस क्यों करेंगे हमको पता है क्रिटिकल सेक्शन इज दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन ठीक है ये कहाँ पर है एट द डी डिस्टेंस सो हम लोग ये वाला पोर्शन ये ये यहाँ से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे सो माइनस कितना होगा डब्लू uh, इज़ नहीं फोर्टी नहीं आ रहा है देखो टेन इन टू ये डब्लू की वैल्यू इसके लिए यहाँ पर टेन और ये वाला डिस्टेंस कितना है अगर ये पोटल टोटल फाइव हंड्रेड है एम एम तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टू फिफ्टी एम एम तो यहाँ पर हम लोग कितना ये वाला डिस्टेंस कितना माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक का दिस इज पॉइंट टू फाइव रुको यहाँ पर लिख देती हूँ ये डी डिस्टेंस हमको माइनस करना ही है डी डिस्टेंस कितना है इफेक्टिव डेप्थ इज वन मीटर ठीक है वन मीटर प्लस ये वाला डिस्टेंस है ये भी माइनस करना है इट इज़ टू फिफ्टी एम एम सो पॉइंट टू फाइव यहाँ पर कितना माइनस होगा वन पॉइंट वन पॉइंट टू फाइव वेरी गुड इट इज़ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिजाइन शी फोर्स ये में इस तरह आया था. आपको मुझे यहाँ से इस डिस्टेंस तक जाना है ठीक है सो हम लोग कितना माइनस करेंगे माइनस डब्ल्यू इंटू ये वाला जो ये डब्ल्यू यहाँ पर लग रहा है इन टू लेंथ ये डिस्टेंस कितना हो गया आ, वन मीटर ये डी डिस्टेंस प्लस टू फिफ्टी एम एम वेरी गुड ठीक है सो so, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन फाइंड करेंगे लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कहा है कि आपको ये कंसिडर करना है सो so हम लोग जो नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे डिजाइन के क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग सपोर्ट पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मैक्सिमम शेयर फोर्स ले लेंगे लेकिन ये सी uh, में इस तरह से एक बार कंसिडर करने के बाद क्वेश्चन पूछा था या फिर आप डायरेक्टली अगर ले लोगे हंड्रेड बाई टू फिफ्टी किलोमीटर फिफ्टी किलोमीटर इज़ ऑल्सो इन द ऑप्शन ठीक है सो जस्ट आपको समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ले लिया इसलिए आपको समझ में आ जाए किस तरह से क्रिटिकल सेक्शन हम लोग लेते हैं ठीक है तो दिस इज द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस उसमें जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स है वो कौन सी लोकेशन पर लेना है उसके लिए जो कोडल गाइडलाइंस थी वो हम लोगों ने देखी ठीक है चलो हम लोग दूसरा देखते हैं ये ये शीयर स्ट्रेस कौन सा है जो लोड लगने के कारण उस पर डेवलप हो रहा है अब हम लोग देखेंगे कि अगर इतना डेवलप हो रहा है तो कंक्रीट की उसके सामने स्ट्रेंथ है कितनी विदाउट एनी शीयर एनफोर्समेंट अभी हम लोग कोई शीयर एनफोर्समेंट की बात नहीं कर रहे जस्ट वी आर टॉकिंग कि शीयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की है कितनी ठीक है सो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं शीयर स्ट्रेंथ ऑफ आपको वो स्लाइड देखनी थी ना एक ही सेकेंड हाँ, एक ही सेकेंड है यहां पर मैं टाउस ली गई ओके डी वेदर डी इज टेकन फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट जो सपोर्ट का फेस है हम लोगों ने देखा ना फाइव हंड्रेड हाँ फाइव हंड्रेड एम एम बाई फाइव हंड्रेड एम एम उसका जो face है, से हम लोगों ने लिया समझे ना वो क्वेश्चन हमने किया फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट हम लोग इफेक्टिव डेप्थ जो डिस्टेंस है वो वाला लेंगे इट इज स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट क्यू क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स कि करती है इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हम लोग ऑफ ओके uh, 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 okay, हम लोग परसेंटेज लिख देते हैं इट इज परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन्फोर्समेंट इसको हम लोग uh, हमको जो टेबल गिवन है आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में टेबल नाइनटीन ठीक है उसमें आपको इस तरह से गिवन है कि टाउसी जो है शीय स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टाउसी है वो हम लोग कहाँ so लो से निकालेंगे सो फ्रॉम टेबल नाइनटीन हम लोग वहाँ से निकालेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से गिवन है ए एस टी किवन है ए एस टी बाई बी डी एंड यहाँ पर है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है इस तरह से गिवन है एंड यहाँ पर परसेंटेज आपको गिवन है सारे इस डायरेक्शन में एंड यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट सारे गिवन है तो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट उन लोगों ने बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ अच्छा ये कौन सा ए है इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड फॉर फ्लेक्चर जो हम लोगों ने बीम में डिजाइन किया था ना सिंगली रेनफोर्स बीम में बेंडिंग के कारण जो शेयर एनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया था उसकी बात हो रही है पर, ठीक है सो so आप यहाँ पर ध्यान रखना के इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ़ होगा, की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी एंड एज परसेंटेज ए एस टी विल इंक्रीज टाउसी की वैल्यू इंक्रीज होगी ठीक है परसेंटेज ई आपको आप इस तरह से लिख सकते हैं परसेंटेज ई इज इक्वल टू ई एट सपोर्ट सपोर्ट पर जो हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है अपॉन बी डी इन टू हंड्रेड ठीक है ए एट सपोर्ट अपॉन बी डी यहाँ पर आएगा इन टू हंड्रेड क्योंकि हम लोग परसेंटेज में लिख रहे हैं तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर गिवन है इन परसेंटेज एंड उसके अपोजिट हमको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट गिवन है तो हमारा जितना भी एरिया ऑफ स्टील हमने प्रोवाइड किया है एंड जो हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है लेट्स एम ट्वेंटी तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग टाउ लेंगे कि हमारा जो स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का वो कितना है वो हमको यहाँ से पता चलेगा ठीक है अब नेक्स्ट इज हम लोगों ने अब सबसे पहले डिफाइन किया टाउवी जो स्ट्रेस उस पर डेवलप हो रहा है उसके सामने हमारे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ विदाउट एनी शेयर एनफोर्समेंट अब हम लोग थर्ड बात करेंगे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दिस इज डिफाइंड टाउसी मैक्स मैक्स, अब यहाँ पर कौन सी बात हो रही है ये भी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ही है लेकिन ये कौन सी स्ट्रेंथ है हम लोगों ने शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया सब कुछ प्रोवाइड कर दिया उसके बाद जो उसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ है टाउसी मैक्स उसकी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है so, सो टाउसी मैक्स के लिए भी हमको आई एस फोर फाइव सिक्स में टेबल गिवन है इट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है सो फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट उन लोगों ने फिक्स कर दिया है कि जैसे कि आप एम ट्वेंटी अगर आप लेट से ले रहे हैं तो उसके लिए टाउसी मैक्स इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड दिस चेक इज़ ये चेक हम लोग इसलिए करते हैं टू अवॉइड द डायगनल कंप्रेशन फेलियर यहाँ से डायरेक्टली एम सी क्यों आता है कि हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट उसको क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा टाउसी मैक्स नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा आप शेयर स्ट्रेंथ इस वाले ग्रेड को नहीं प्रोवाइड कर, कर सकते हैं कर सकते हैं सो इट इज गिवन टू अवॉइड द डायगेनल कंप्रेशन फेलियर सो हम लोग लिख लेते हैं अगर इससे ज़्यादा वैल्यू अगर uh, हो गई मीन्स uh, ये हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो uh, शियर स्ट्रे uh, ये शीयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है टाउवी इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउसी मैक्स, ठीक है सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं इट इज मैक्सिमम शीयर स्ट्रेंथ फ्टर प्रोवाइडिंग शेयर एनफोर्समेंट एंडसेंटेज ऑफ ई एस टी मीनस परसेंटेज ई एस टी किस लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया था फ्लेक्जर में हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया था शेयर एनफोर्समेंट हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं टू कॉन्ट्रैक्ट शेयर लेकिन ये दोनों प्रोवाइड करने के बाद इससे वैल्यू एक्सीड नहीं होनी चाहिए हमारी ठीक है सो इट डिपेंड ओनली ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड एज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज कॉन्क्रीट इंक्रीज टाउसी मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी सो so, हमको अगर टाउसी मैक्स का वैल्यू इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो बढ़ा सकते हैं तो so, हम लोग अब इसका जो टेबल है वो लिख देते हैं डायरेक्टली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट grade of concrete and here is Tau C mix so it starts from m15 then m20 m25 m30 m35 and m40 this is two point five, two point eight, three point one. थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सेवन एंड फोर ये हमको गिवन है न्यूटन पर एम एम में सो दिस इज़ प्रोवाइडेड टू अवॉइड द डाइग्नल कंप्रेशन फेलियर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दें कि यहाँ पर लिख दें आपको यहीं पर लिख देते हैं आप लोग एंड में अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना ठीक है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर यहां से डायरेक्टली एमसीक्यू आता है कि हम लोग ये चेक क्यों कर रहे हैं आप ये टेबल नोट डाउन कर लो ये वैल्यूज हमको न्यूटन पर स्क्वायर में गिवन है हम लोग जब आईएस कोड देखेंगे तब हम लोग ये वाला टेबल भी देख लेंगे एंड इसका वैल्यू अगर आप लोग डायरेक्टली फार्मूला से फाइंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जैक्टली exactly यही आंसर आएगा बीम येस yes, हम लोग टेपोर्ट बीम का आज थियोरी देखने वाले हैं और उसका क्वेश्चन अगर अभी टाइम नहीं मिला तो हम लोग फोर uh, थर्टी को हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की एट दैट टाइम वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ टेपोट बीम टाउसी मैक्स इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स टू रूट एफ सी के टुडे एट फोर थर्टी पी एम ऑन अन Uh, उसके हम लोग शेयर के जो हम लोग थियोरी द थियरी विच वी आर स्टडिंग फॉर शेयर क्वेश्चन फॉर दिस थियरी एट फोर थर्टी पी एम ऑन एन अकेडमी ठीक है ऑल द क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ई एस सी एंड गेट विच हैव ऑलरेडी बीन आस्ट दैट क्वेश्चन एट फोर थर्टी पी एम ऑन एन अकेडेमी एंड थियोरी फॉर दैट टेप बीम वी विल स्टडी इट राइट नाउ यू जस्ट नोट डाउन दिस वैल्यूज एंड ताउसी मैक्स पॉइंट सिक्स टू रूट एफ सी के शायद कभी यहाँ पर टू पॉइंट एट की जगह टू पॉइंट सेवन एट इस तरह से वैल्यू मिलेगी बट इन लोगों ने इस फॉर्मूला से डिवाइड की है डिराइव uh, की है ये वैल्यूज ठीक है तो नाउ वी हैव स्टडीड वॉट इज द नॉमिनल शीयर स्ट्रेस विच इज इज डेवलप ड्यू टू लोड लोड के कारण फैक्टर्ड शीयर फोर्स के कारण जो शेयर स्ट्रेस उसमें डेवलप हो रहा है फिर हमने देखा कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ आरसी सेक्शन ये कितनी होती है उसकी स्ट्रेंथ विदाउट एनी शेयर एनफोर्समेंट एंड द थर्ड इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ विच इज टाउ सी मैक्स ये हम लोगों ने अब देखा अब हम लोग जो शेयर स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की है उससे हम लोग अगर बढ़ाना चाहते हैं अगर ये टाउसी ही है और हमको चाहिए टाउवी ताओं इज जितना शीर्ष ट्रेस है उतना हमको शीर्ष स्ट्रेंथ कंक्रीट का लेके जाना है तो so उसके लिए हम किस तरह से रेंफोर्समेंट डिजाइन करते हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे ठीक है तो so the topic is design of shear reinforcement and before starting this design हम लोग ने एक रेक्टैंगुलर बीम के लिए जिस तरह से डिजाइन किया है उस तरह से आप उसके लिए भी डिफाइन कर दो ये हम लोगों ने डिफाइन किया एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन अगर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसके लिए लेकिन अगर वेरिंग डेप्थ है उसके लिए हम लोग अभी नोट डाउन कर ही लेते हैं सो so, वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए दिस इज वॉट यू वॉर्ज आस्किंग राइट शशि इफ देर इज वेरिंग डेप्थ नो डाउन दिस टॉपिक फॉर नॉमिनल है इफ देर इज वेरिंग डेप्थ अगर बीम की डेप्थ वेरी हो रही है और आदर दिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन द जोमेट्री ऑफ द फिगर देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट उसका इंक्रीज हो रहा है फ्राम सपोर्ट फ्रॉम फ्री एंड टू सपोर्ट ठीक है इस तरह से हम लोगों ने बी एम डी उसका देखा है उसका शीयर फोर्स डायग्राम भी हम लोगों ने देखा है इट इज ये लाइन line लीनियर है ठीक है इस तरह से अच्छा ये कब आएगा जब यहाँ पर ऊपर यूडीएल होगा ठीक है इसके कारण इस तरह से वेरिएशन आता है हम लोगों को पता है राइट सो ड्यू टू दिस वेरिएशन यहाँ पर ये जो शियर फोर्स अब ये शियर फोर्स कौन सा शियर स्ट्रेस कौन सा है इट इज़ डेवलप्ड एट अ पर्टिकुलर सेक्शन कोई भी एक सेक्शन पर हमको अगर स्ट्रेस नॉमिनल शीयर स्ट्रेस टावी नॉमिनल शीयर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है उसको कंप्यूट करना है तो हम लोग ये वाला फॉमुला यूज़ करेंगे टावी इज इक्वल टू वी यू माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा अपॉन बी इंटू डी वेर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ एंड सेकेंड अच्छा यहाँ पर हम लोग नोटेशन जो है वो भी आप लिख लीजिए वॉट इज एम यू वॉट इज डी वॉट इज टेन बीटा ठीक है सो फॉर बीम ऑफ वेरिंग डेथ दिस इज द जनरल फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला है

उसी डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है इन दैट केस वी विल यूज नॉमिनल शीयर स्ट्रेस एज दिस फॉर्मूला यहाँ पर माइनस साइन हम लोग कंसिडर करेंगे एंड वेन बेंडिंग मोमेंट इज डिक्रीजिंग एंड डेप्थ इज इंक्रीजिंग सो यू कैन से वेन बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ मीन्स जिस डायरेक्शन में डेप्थ इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में अगर बेंडिंग मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सपोर्ट में क्या हो रहा है बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है दिस इज इंक्रीजिंग एंड इस डायरेक्शन में डेप्थ है वो डिक्रीज हो रही है ठीक है और वाइस वर्षा यू कैन से say, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पर डेप्थ बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज हो रहा है और डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है सो so, मीन्स अगर रिलेशन uh, अपोजिट है तो हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे टू फाइंड नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एट अ लोकेशन आ गया समझ में आप लोगों को किस तरह से वेरिंग डेप्थ में हम लोग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं आप लोग नोट no डाउन कर लीजिए वॉट इज एम यू एम यू इज द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन जहाँ पर हमको नॉमिनल शीयर स्ट्रेस फाइंड करना है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सॉरी बेंडिंग मोमेंट इज एम यू वॉट इज बीटा बीटा इज एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ बीम ठीक है ये जो बॉटम ये जो बॉटम एज है एंड टॉप एज है उसके बीच का एंगल है वो बीटा है ठीक है और यहाँ पर आप लोग इस तरह से ले सकते हैं दिस क्वेश्चन इज आस्ट इन गेट इसका क्वेश्चन हम लोग शाम को प्रैक्टिस करेंगे अभी वरना फिर थियरी रह जाएगी हमारी ठीक है ये वाला क्वेश्चन गेट में आया है और इसमें वैल्यूज हमको किवन थी एंड हमको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस फाइंड करना था आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया सो हम लोग आगे जो हम लोग डिज़ाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट वाला टॉपिक है वो स्टार्ट कर दें कौन सा सेकेंड पॉइंट केशव बीटा की बात कर रहे हो आप इसी तरह से डिफाइन है ना कि अगर जिस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे एंड जिस डायरेक्शन में डेप्थ इंक्रीज हो रही है अगर उस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे इसका ऑपोजिट केस ही हम लोगों ने यहाँ पर लिया है ना यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है अच्छा यहाँ पर चेंज नहीं होगा वैंड बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ विच डेप्थ इज इंक्रीजिंग ये वाला केस सेकेंड वाला यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है और डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही है है ना ओके फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बाद में पूछ लेना कोई बात नहीं स्टार्ट विदेश ना विल स्टार्ट विद डिफोर्समेंट ठीक है इसमें यहां पर अगर फर्स्ट केस है इफ टाउ वी इज लेस देन जीरो पॉइंट फाइव टाउ सी देन वी विल नॉट प्रोवाइड एनी शेयर एनफोर्समेंट नो शीयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड हम लोगों ने टाउवी फाइंड किया हमको पता है टाउसी हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर फ्लेक्चर उससे हमको टाउसी मिली है इस तरह से लिखते हैं मीन्स टाउवी इज लेस देन टाउसी बट पॉइंट फाइव टाउसी से बड़ा है देन इन दिस केस वी विल प्रोवाइड द मिनिमम शियर एनफोर्समेंट यस सुंदर टाउवी मीन्स नॉमिनल शियर स्ट्रेस करेक्ट मिनिमम एनफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइडेड ठीक है वो हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे सो मिनिम शेयर एन्फोर्समेंट ए एस वी मिनिमम ये कोड में डिफाइंड है ए एस वी मिनिमम अपॉन बी एस वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई ठीक है इस तरह से उन लोगों ने मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए कहा है अब हम लोग सारे टर्म्स है वो उसको एक बाई वन बाई वन देखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है एस वी इज एसवी इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर अच्छा आपको बी तो पता है बी इज द वे ऑफ सेक्शन एफ वाई इज द ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट यूज अब एस वी एस वी क्या है एसवी इज द स्पेसिंग स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट एंड ए एस वी अच्छा ए एस वी किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देती हूँ आप लोग इतना नोट no डाउन कर लो स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट यहाँ पर लिख दो सेंटर टू सेंटर सेंटर टू सेंटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ पर लेंगे अब ए एस वी किस तरह से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ आप लोग इतना नोट no डाउन कर लो ये ए एस वी कौन सा एरिया है एरिया ऑफ शीयर एनफोर्समेंट शीयर का एनफोर्समेंट है ठीक है सो लिखा हम लोगों ने ए एस वी अपॉन बी इन टू एस वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट एट सेवन एफ वाई डिवाइडेड बाय सॉरी वाई ठीक है सो ए एस वी इज इक्वल टू एन इन टू फाई बाई फोर टू फाइव स्क्वायर वॉट इज एन एन क्या है यहाँ पर एन इज इक्वल टू हाँ नंबर ऑफ लेग्स सो आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं टू लेग्ड स्टिरप्स यूज करते हैं फोर लेग्ड स्टिरप्स देन एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग एट लेग्ड और उस तरह से आगे आगे भी यूज करते हैं तो जस्ट मैं यहाँ पर टू लेग्ड की फिगर बना देती हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको लिखा देती हूँ ये हमारे बॉटम के रेनफोर्समेंट है एंड यहाँ पर आएगा शीयर एनफोर्समेंट ये इस तरह से गया अच्छा अब इसको ऊपर होल्ड कौन करेगा अगर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट तो है नहीं अगर मेरा सिंगली रेनफोर्स बीम है तो क्या करेंगे हम लोग सो वॉट विल वी डू इज़ यहाँ पर हम लोग दो हैंगर बार्स डाल देंगे यहाँ पर ये जो दो बार्स स्टिरप्स को होल्ड करने के लिए होते हैं उसको हम लोग हैंगर बार्स कह, कहते हैं एंड उसका मिनिमम डायमीटर ट्वेल्व एम एम होता है ठीक है सो so ये जो दो बार्स कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को यूज़ करके आ, ना यूज़ करके सिर्फ शेयर को कॉन्ट्रैक्ट कर शेयर फोर रेनफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए होते हैं और यू कैन से स्टिरप्स को जो होल्ड करके रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं हैंगर बार्स ठीक है एंड ये हमारा स्टीरप्स होता है अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा है दिस इज टू लेग्ड स्टिरप्स ये टू लेग स्टिरप्स है ठीक है इस तरह से हम इसको बैंड करते हैं एंड फॉर टू लेग्ड स्टिरप्स अगर हम लोग देखें तो ये एक लेग है ये दूसरा लेग है सो so, यहाँ पर एंड की वैल्यू टू हो जाएगी एन इज इक्वल टू टू अच्छा अब और एक फिगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं साथ में ही देखो अगर इफ दिस इज दर एनफोर्समेंट शीयर एनफोर्समेंट ठीक है इस तरह से हमने इसको बेंड किया देन दिस एंगल देखो ये सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेट जा रहा था ये इस तरह से ये बार स्ट्रेट था उसको फिर मैंने इस तरह से बेंड किया सो दिस बेंड इज 135 डिग्री ठीक है ये वाला बैंड वन थर्टी फाइव डिग्री होता है एंड ये वाला डिस्टेंस जितना हम लोग बैंड करके उसको एक्सटेंड करके रखते हैं किसी को पता है ये डिस्टेंस कितना होता है एनी वन नोज यस हैंगर बार्स और होल्डिंग डाउन बार्स ये वाला डिस्टेंस कितना होता है एनी वन नोज कमेंट करो क्योंकि हमको सिर्फ बैंड करके अब ऐसा कोई करेगा कि थोड़ा सा बैंड करके यहाँ पर रख देगा हो सकता है हमारा ये जो रेनफोर्समेंट है वो लूज होकर निकल जाए सो so ये कितना हम लोग करेंगे दिस डिस्टेंस इस यहाँ से हम लोग ये बैंड करके कितना यहाँ ये डिस्टेंस कितना रखेंगे ये वाला डिस्टेंस ठीक है ये बैंड किया हुआ दिस इज सिक्स टाइम्स डाया मीटर ऑफ द बार मिनिमम ठीक है ये सिक्स टाइम्स ऑफ द डायामीटर ऑफ बार इतना हम लोग इसको बैंड करते हैं और अगर फोर लेग्ड है फोर लेग का हम लोग फिगर बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं उसमें किस तरह से होगा किस तरह से आप यहां पर जस्ट अ सेकेंड फिगर नहीं हट रही है फोर लेग में किस तरह से होगा यहाँ पर ये दो है उसकी जगह यहाँ पर और एक एक्सटेंड होकर इस तरह से हम लोग और एक प्रोवाइड कर देंगे मैं यहाँ पर आगे के पेज पर बना देती हूँ देखो फिर हम लोग ओके देखो ये किस तरह से होता है एक सेकेंड आपकी कमेंट्स बंद हो गई है ओके तो फोर लेग में किस तरह से होता है ये एक सेक्शन है हमारा ये हमारा एक बीम का क्रॉस सेक्शन है ठीक है तो एक रेनफोर्समेंट एनफोर्समेंट हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे यहां से इस तरह से गया हाँ हाँ वो जब हम लोग डेवलपमेंट लेंथ पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट लेंथ उस क्योंकि इसके बहुत सारे गाइडलाइंस हैं डेवलपमेंट लेंथ में कल ही हम लोग पढ़ने वाले हैं सुंदर कल डेवलपमेंट लेंथ में कितना हम लोग हुक रखेंगे और वो सारा हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि उसमें फिर आधा अधूरा रह जाएगा ना तो हम लोग कल के लेक्चर में ये पूरे जितने भी कोडल गाइडलाइंस हैं वो हम लोग सारे ले लेंगे एंड दूसरा हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करेंगे सो दिस इज़ फोर लेग्ड जस्ट आपको देखना है कि नंबर ऑफ लेग्स कितने आ रहे हैं दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर डेन इज इक्वल टू फोर समझ गए सो दिस इज फोर यस कल डेवलपमेंट लेंथ एंड बॉन्ड उसके ऊपर कल पूरा लेक्चर है हमारा आप लोग ये वाला नोट डाउन कर लीजिए फिर उसके बाद मैं लिखा देती हूँ वाई मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड उसके पॉइंट्स भी नोट no डाउन करना इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन इज वाई मिनिमम शीयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इसके जितने भी हैं मैं लिखा रही हूं ठीक है आपको आप सारे लिख लीजिए फर्स्ट टू प्रोवाइड टू इंक्रीज डक्टिलिटी ऑफ सेक्शन मुझे जितनी भी रेफरेंस बुक से जो भी पॉइंट्स मिले हैं जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया वो सारे मैं आपको लिखा रही हूँ ठीक है सो इनक्रीज डक्टिलिटी ऑफ सेक्शन आप सारे नोट no डाउन कर लीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि वाई मिनिमम शेयर एन्फोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड टू अवॉइड सडन फेलियर ऑफ सेक्शन दिज आर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व थिंग्स कि अगर ये सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अगर मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इतना देन इट कैन ईजिली काउंट्रैक्ट दिस फेनोमेन ठीक है द थर्ड इज टू अवॉइड क्रैक्स टू अवॉइड क्रैक्स ड्यू टू इसमें फर्स्ट लिखो ड्यू टू डाइगनल टेंशन यहां से एम सी क्यू आया था कि वाई इट इज प्रोवाइडेड एंड उसमें ऑप्शन था डायग्नल टेंशन इट वॉज वन ऑफ द ऑप्शन एंड ऑल अदर ऑप्शन वर इनकरेक्ट ज टेम्परेचर वेरिएशन फोर्थ वन इज सडन इंक्रीज ऑफ लोड एंड फिफ्थ वन इज क्रीप और एक आएगा एक सेकेंड मैं यहां पर लिख देती हूँ फोर्थ वन इज टू इंक्रीज एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स ऑफ कॉन्क्रीट टू इंक्रीज एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स ऑफ कॉन्क्रीट रीजन yes. crack yes. okay? so के हम लोग क्यों शेयर एन्फोर्समेंट मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं हम लोगों ने देखा टावी लेस देन टाउसी उस केस में भी हम लोग शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे so this is the reasons. These are the reasons.

वन मोर थिंग यहाँ पर हमको चेक करना होता है टाउवी शुड नॉट एक्सीड टाउसी मैक्स उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआसी so, uh, देन देन मैक्स से ज्यादा नहीं है उस वाले केस मेंोवाइड द डिजाइन समेंट अब हम इसको तीन तरीके से प्रोवाइड करेंगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट देन इंक्लाइंड शेयर एनफोर्समेंट और यू कैन से वर्टिकल स्टिर इंक्लाइंड थर्ड वन इज बेंटअप बार्स ठीक है उन तीनों का क्या कोडल गाइडलाइंस है और उसको किस तरह से प्रोवाइड करना है वो हम लोग सब आप डिस्कस करेंगे तो so, हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन uh, किया था वी यू विच इज अप्लाइड शेयर फोर्स ये उसपे शेयर फोर्स आ रहा है और उसके कारण नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हम लोग ने डिफाइन uh, किया विच इज टाउवी देन नेक्स्ट इज वीसी सी विच इज फोर्स टेकन बाय कंक्रीट ठीक है जब हम लोग शेयर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कितना लोड रजिस्ट कर सकता है इट इज वी सी सो वी यू इज इक्वल टू टाउवी इन बी डी सी इज इक्वल टू टाउसी इंटू बी डी अब ये वी यू की वैल्यू ज्यादा है वी सी से सो डिजाइन डिजाइन शीय फोर्स इसको हम लोग कहते हैं वी यू एस डिजाइन शीय फोर्स इज इक्वल टू यू माइनस वी सी जो इससे एक्सीड कर रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे जितना ज्यादा आ रहा है उसके लिए हम लोग जो फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे इट इज डिजाइन शीयर फोर्स वीय वीयूएस एंड वी यू एस इज इक्वल टू टाउवी माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी सिंपल दिस इज डिजाइन शीय फोर्स अब ये शेयर फोर्स को काउंटर काउंट्रेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्टिकल स्टेरप्स इंटलाइन स्टेरप्स एंड बेंटअप पार्ट तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल स्टेरप्स डिस्कस करेंगे ऑप्शन वन इज वर्टिकल स्टेरप्स सो वर्टिकल स्टेरप्स अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कितना शेयर डिजाइन शेयर फोर्स ले सकता है उसके लिए फॉर्मूला है पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस वी इन टू डी अपॉन एस वी सारे टर्म से हम लोग फेमिलियर है ठीक है यहाँ पर डी आया है अब डी हमको क्या लेना है यहाँ पर मिस्टेक मत करना यहाँ पर डी डायमीटर नहीं है इट इज़ द डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन वो हमको डी लेना है ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना अगर एफ वाई हम लोग ले रहे हैं इट इज़ द ग्रेड ऑफ स्टिरप्स जो हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ग्रेड है एंड नो इन नो केस एफ वाई शुड बी ग्रेटर देन फोर वन फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वा दिस इज द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स और यू कैन से इंटलाइन स्टिरप्स भी अगर आप यूज कर रहे हैं तभी एफ वाई की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्लियर सो so, हमको पता है वी यू ऐसा ये तो फिक्स है कि इतना तो डिज़ाइन शेफोर्स आ ही रहा है देन ए एस वी भी फिक्स है हमारा कि हम लोग एक जैसे कि टू लेग प्रोवाइड कर रहे हैं तो टू इंटू फाइव बाई फोर इंटू जैसे कि एट एम एम के हैं तो टू इंटू फाइव बाई फोर इंटू एट का स्क्वायर ए एस वी भी फिक्स है सो so, हम लोग इसमें एक स्पेसिंग है वो चेंज कर सकते हैं एफ वाई है वो चेंज कर सकते हैं एफ आई टू फिफ्टी ले सकते हैं या फोर वन फाइव ले सकते हैं उससे ज़्यादा ले नहीं सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ है वो इंक्रीज कर सकते हैं सो यहाँ से हम लोग को स्पेसिंग मिलता है विच इज़ पॉइंट एट सेवन एफ वाई कि हम लोग कितना स्पेसिंग रखकर ये जो फोर्स है डिज़ाइन शेयर फोर्स ही बढ़ा सकते हैं सो so, हमको पता चलेगा कि अगर हमको इसको इंक्रीज करना है शेयर फोर्स हमको डिजाइन शेयर फोर्स हमको अगर ज्यादा चाहिए तो इसको हमको डिक्रीज करना पड़ेगा ये तो क्लियर है कि जितना हम लोग स्पेसिंग कम रखेंगे उतना वो ज्यादा शेयर फोर्स ले पाएगा क्लियर ये एफ आई आप लिख लो इट इज ग्रेड ऑफ स्टीरअप यहाँ पर आप जो हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ये कोडल गाइडलाइंस में डिफाइंड है ग्रेड ऑफ स्टीरप्स और और एक चीज अगर आप अगर आप ले रहे हैं फोर और फाइव ग्रेड ऑफ स्टील तो जो मेन रेनफोर्समेंट है उसका भी ग्रेड ऑफ जो रेनफोर्समेंट है जो मेन रेनफोर्समेंट है मेन स्टील है उसका फोर और फाइव से कम नहीं हो सकता अगर आप फोर और फाइव स्टीरप्स का ग्रेड ले रहे हैं तो जो मेन है उसका फोर ऑइन फाइव से लेस नहीं हो सकता है इट इज़ डिफाइंड कि आप फोर वन फाइव ही मैक्सिमम ग्रेड है जो आप ले सकते हैं हम लोग जब कोडल गाइडलाइंस देखेंगे तब उसमें उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है उसमें रीज़न तो वैसे मैंशन नहीं है और और एक चीज़ ऐसे हो सकती है कि अगर हम लोग ज़्यादा ग्रेड ऑफ स्टील ले लेंगे तो टाउसी मैक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा हो, हो जाएगी मीन्स हमको फिर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी उसके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करना होगा तो so, हम लोग क्या कर सकते हैं एफ uh, एफवाइज हमको पता है कि फ़िक्स हो गया है सो so, हम लोग जो उसका स्पेसिंग है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ जो उसका डेप्थ है वो इंक्रीज कर सकते हैं डायगनल टेंशन क्रैक्स वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पूरा डिस्कस कर लिया है तो so, आप लेक्चर के बाद चाहे तो लेक्चर uh, आप रिवाइंड करके स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं वॉट इज़ डाइग्नल टेंशन क्रैक हाउ इट इज़ डेवलप एंड एट वॉट एंगल इट इज़ फॉर्म्ड ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली है ओके आर जी हाँ डाइगनल कंप्रेशन फेलियर इज ड्यू टू वेंट टाउवी एक्सिड्स टाउसी मैक्स उसके कारण डायगनल कंप्रेशन फेलियर होगा और उसको रोकने के लिए हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल स्टिरप्स की बात वर्टिकल स्टिरप्स किस तरह से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया ये इस तरह से होता है वर्टिकल स्टिरप्स ठीक है तो अगर आप अब इंक्लाइन स्टिरप्स की बात करें तो वो भी वही स्टिरप्स होंगे जस्ट उसको हम लोग एक एंगल पर इंक्लाइन कर देंगे इंक्लाइंड ठीक है so उसमें हम लोग वी यू एस डिफाइन करेंगे पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस वी इंटू डी यहाँ पर आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन दिस इज एस वी ठीक है यही फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ठीक है व्हाट इज अल्फा मैं आपको फिगर से बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाए सपोज ये हमारे मेन रेनफोर्समेंट है टेंशन दिस इज़ द रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन इस तरह से ये इंक्लाइंड स्टिरप्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उसमें भी हम लोग इसका इंक्लिनेशन फोर्टी फाइव डिग्री से कम नहीं रख सकते हैं ठीक है इस तरह से होंगे ये ये सेक्शन यहाँ पर इनकम्प्लीट है ठीक है इस तरह से जाएंगे सो दिस इज द इंक्लिनेशन अल्फा ठीक है एंड अल्फा शुड नॉट बी लेस दैन फोर्टी फाइव डिग्री है क्यों हम लोग इसको इंट्लाइंट वे में प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है क्रैक्स हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ये इस तरह से डेवलप हो रहे थे तो उसको काउंट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इंटलाइन स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं विच आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू वर्टिकल स्टिरप्स आप लोगों को अगर फिगर देखना है तो आप देख सकते हैं वापस से अ देखो ये हमारा क्रैक्स था जो डेवलप हुआ था ये यहाँ पर क्रैक्स थे ठीक है इस तरह से इसको काउंट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से वर्टिकल स्टेप्स करेंगे इस तरह से ठीक है इसको इसके जिस तरह से क्रैक डेवलप हो रहे हैं उसके सामने काउंट्रेक्ट करने के लिए आ, और टू इट हम लोग प्रोवाइड करते हैं यस अब उसमें और एक पॉइंट है वो भी आप लिख लो इंक्लाइन टीरप्स आर वेरी इफेक्टिव लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी होता है इंक्लाइन टीरप्स यूज करने के साथ वो आप लोग लिख लो Inclined stirrups are very effective in carrying flexural shear, carrying flexural shear and restrain inclined crack, restrain inclined crack. वेरी इफेक्टिवली बट उसमें क्या होता है हाउर इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल हावेवर जब स्ट्रेस रिवर्सल क्या होगा तब क्या होगा कि उसका जो स्ट्रेसेस uh, जो डेवलप हो रहे हैं वो उसका जो डायरेक्शन है उसका ओरियंटेशन है वो चेंज हो गया हो जाएगा एंड उस टाइम पर जो इंक्लाइन स्टीरअप है दैट दे बिकम्स एन इफेक्टिव ठीक है हाउवर इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल For example, during earthquake, earthquake direction will be reversed and this erupts.

डिंग अर्थक्वेक डायरेक्शन ठीक है हम लोगों ने दो टाइप ऑफ बार्स डिस्कस कर ली अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ बार्स जो बेंटअप बार्स है उसका डिस्कशन करेंगे हाउ दे आर प्रोवाइडेड एंड हाउ दे आर इफेक्टिव एंड हाउ मच दे आर इफेक्टिव थर्ड इज बेंटअप बार्स स्ट्रेस रिवर्सल मीन्स अर्थवे के कारण क्या होता है आपको पता है ना कि जो डायरेक्शन ऑफ उसके कारण क्या होगा उसका इफेक्ट इस तरह से आएगा इन जनरल हम लोग अगर सोम से देखें तो जहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आ सकते हैं जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हैं वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ सकते हैं उसको हम लोग स्ट्रेस रिवर्सल कहते हैं मीन्स जो उस पर आ रहा है उसके अपोजिट स्ट्रेस उसमें डेवलप हो जाएगा एंड फिर जो उसका इफेक्ट है इंक्लाइन स्टीरअप का वो इफेक्ट नहीं रहेगा दैट्स वाई वी कैन सी इट विल बिकम इन इफेक्टिव आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा कि स्ट्रेस रिवर्सल के कारण फटीक और वो सब किस तरह से होता है हाँ भाई बेंट ऑफ बार्स से हम लोग क्या करते हैं एक ये जो बार होता है उसको इस तरह से बेंड करके ऊपर ले लेते हैं इस तरह से हम लोग करते हैं ना बेंट बार्स उसी की बात हो रही है लेकिन बेंटअप बार्स हम लोग सिर्फ बेंटअप बार बार्स से जो हमारा डिज़ाइन शी फोर्स है वो हम लोग कांट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं ओनली अ पार्ट ऑफ इट कैन बी काउंट्रेक्टेड यूजिंग बेंटअप बार्स एंड जो उसका रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी काउंट्रेक्टेड बाय यूजिंग द यू कैन से वर्टिकल स्टिरप्स उस तरह से हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे सो so, कितना हम लोग कर सकते हैं कितना बेंटअप बार्स uh, का प्रपोर्शन हम लोग ले सकते हैं वो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये लिख लो ओनली अन्शन ऑफ वीयूएस वीयूएस हमारा क्या था डिजाइन शी फोर्स कैन बी टेकन बायटअप एंड अदर पोर्शन ल बी रजिस्टेड बाई रजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टेरप्स ठीक है दे आर इफेक्टिव बट नॉट होली इफेक्टिव उसका थोड़ा ही पोर्शन हम लोग इफेक्टिवली शेयर को काउंट्रैक्ट करने के लिए ले सकते हैं इस तरह से कोडल uh, गाइडलाइंस में डिफाइंड है सो so, उन लोगों ने ये पॉइंट नहीं लिखा है जस्ट उन, लो, उन लोग उन लोगों ने कहा है कि ओनली पार्टली आप उसका इफेक्ट uh, कंसिडर कर सकते हैं टू रजिस्ट द शेयर फोर्स उन लोगों ने उसको डिफाइन किया है अगर हम लोग वी एस बी डिफाइन करते हैं विच इज शियर फोर्स टेकन बायअप बार्स शीयर फोर्सन बायट बार्स वी एस बी इज इक्वल टू पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस बी वे एस बी इज द एरिया ऑफ बेंटअप बार्स साइन अल्फा ठीक है अल्फा वही है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ एक्सिस ऑफ ठीक है विधि हम लोग कितना पार्ट यस यस अब लोग इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन कर लो आप किस तरह से करोगे उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको अभी करा दूंगी वर्टिकल इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे वर्टिकल स्टिरप्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड से टू कैरी फोर्स इक्वल टू ये कितना कैरी करेगा वी एस माइनस यू कैन सी वी माइनस वी एस बी और वी यू एस बाई टू मैक्सीम ऑफ़ अभी इसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे अभी अभी जस्ट इसके बाद ही हम लोग एग्जाम्पल कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या कह रहा है कि हम लोगों ने वी एस बी जो है वो बेंटअप बार से प्रोवाइड कर दिया है तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स से प्रोवाइड करेंगे तो वर्टिकल स्टिरप्स कितना प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम ऑफ वी यू एस माइनस वी एस बी और वी यू एस बाई टू इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू लेकर हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स डिज़ाइन करेंगे ठीक है वेयर वी यू एस इज इक्वल टू वी यू माइनस वी सी और यू कैन से टाउवी माइनस टाउसी इंटू बी डी इसका मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देती हूँ इसलिए आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से अगर बेंट ऑफ बार्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ठीक है इसके पहले मैं इसकी फिगर बना देती हूँ बेंटअप बार्स की अच्छे से यहाँ पर सपोज दो बार्स है कंप्रेशन में अगर नहीं है तो हम लोग हैंगर्स बार प्रोवाइड कर देंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इस तरह से एनफोर्समेंट है वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट अगर हमको बेंटअप बार्स भी साथ में प्रोवाइड करने हैं तो ये इस तरह से बेंटअप होंगे मीन्स ये जो मेन होंगे उसी को हम लोग बेंटअप करके इस तरह से ऊपर ले लेंगे ठीक है दिस आर देंटअप बार्स लेकिन हम लोग सारे ऊपर नहीं ले सकते हैं कुछ हमको इस तरह से कंटिन्यू करने होते हैं ठीक है हमको पता है कि यहाँ पर सपोर्ट पर इसकी स्पेसिंग कम होगी दिस इज़ द स्पेसिंग यहाँ पर स्पेसिंग कम होगी और यहाँ पर चिरप्स की स्पेसिंग हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स कम होता है चलो हम लोग क्वेश्चन कर ले इसका कि आपको पता चल जाए किस तरह से कैलकुलेट करना है आपको एक क्वेश्चन लिखा देती हूँ आप लिख लो अब फिर मुझे कैलकुलेट करके बताओ ठीक है कि आप आ, कितना लोगे डिज़ाइन शीय फोर्स चलो क्वेश्चन लिखते हैं वी यू आपको गिवन है थ्री हंड्रेड न्यूटन वी सी आपको गिवन है हंड्रेड न्यूटन अब फर्स्ट केस के लिए आप फाइंड करना जब मैं वी एस बी बेंटअप बार से मैं वन फिफ्टी न्यूटन रिस्ट्रिक्ट कर पा रही हूँ इसके लिए आप अलग कैलकुलेट करके बताओ और दूसरा मेरा केस है वी एस बी इसमें मैं सिक्सटी किलोन्यूटन बेंटअप बार से मैं रिस्ट्रिक्ट करके कर सकती हूँ मीन्स मेरा बेंटअप बार इस तरह से मैंने प्रोवाइड किया है कि वो वन फिफ्टी किलोन्यूटन इस वाले केस में रजिस्टर रिस, कर लेगा और इस वाले केस में वो सिक्सटी किलोन्यूटन रजिस्टर कर लेगा तो वॉट इज द मैक्सिमम शेयर रेनफोर्समेंट सो डिजाइन शेयर फोर्स वॉट इज द डिजाइन शीयर रेनफोर्समेंट ठीक है तो so, जो हम लोग वीयूएस लेंगे अगर ये बेंटअप बार इतना कर रहा है तो हम लोग वी दोनों केस में कितना लेंगे वो आपको कैलकुलेट करके बताना है ठीक है यहां पे कैलकुलेशन लिख रही हो आप डेटा लिख के अपनी नोटबुक में अपने आप से सॉल्व कर दो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड केस में बताओ ने कैलकुलेट किया हैज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट के कितने के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे ओके इफ साकेत टुडे इज योर फर्स्ट क्लास Uh, कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपके बेसिक्स आगे के रह गए हैं हम लोग वैसे भी शेयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग शेयर का डिज़ाइन फ्लेक्चर को थोड़ा सा उसका पार्ट लेकर ही हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं ये एकदम सेपरेट डिज़ाइन है सो तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं लेक्चर कोई बात नहीं देखो क्वेश्चन में हमको गिवन है वी यू थ्री हंड्रेड वी सी हंड्रेड वी एस बी जो हम लोग बैंडअप बार से रजिस्टर कर पा रहे हैं पहले केस में वो है वन फिफ्टी सो वी यू एस हमारा कितना है वी यू माइनस वी सी वो कितना होता है थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड टू हंड्रेड किलोमीटर ठीक है इतना इसके लिए हमको डिज़ाइन करना है अब हम लोग जो वर्टिकल स्टिरप्स प्रोवाइड करेंगे वो किसके लिए प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम ऑफ वी यू एस माइनस वी एस बी और वी यू एस बाई टू इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए करेंगे सो वी यू एस कितना है टू हंड्रेड माइनस वी भी कितना है 150 सो so, 200 हंड्रेड माइनस वन विच इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन उसके लिए और वी यू एस बाई टू टू विच इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन ठीक है सो so, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये वाली है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो इसके लिए हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स डिजाइन करेंगे हंड्रेड किलो न्यूटन के लिए वी एस बी हमारा इतना वन फिफ्टी तो ले ही रहा है लेकिन हमको डिज़ाइन करना है वर्टिकल स्टिरप्स और हंड्रेड किलोमीटर अब दूसरा केस देखते हैं दूसरे केस में, में मेरा बेंटअप बार है वो सिक्सटी किलोमीटर रजिस्ट कर रहा है अब उसके केस में हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स uh, कितने लोड के लिए प्रोवाइड करेंगे सो so, उसमें भी यही फॉर्मला मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस सो वी यू एस माइनस वी एस बी कितना हो जाएगा वी यू एस इज़ टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड माइनस वी एस बी इज़ वन फिफ्टी सॉरी वी एस बी इसमें सिक्सटी तो टू हंड्रेड माइनस सिक्सटी विच इज इक्वल टू वन फोर्टी वन फोर्टी किलो न्यूटन एंड वी यू एस तो वही रहेगा वी यू एस बाई टू इज इक्वल टू हंड्रेड किलो न्यूटन ठीक है तो वन फोर्टी किलो न्यूटन इसके लिए हम लोग वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे बेंटअप बार्स हमारा अगर सिक्सटी किलोन्यूटन ले सकता है तो हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स किसके लिए प्रोवाइड करेंगे इट इज मैक्सिमम ऑफ वी यू एस माइनस वी एस बी और वी यू एस बाई टू अब वी यू एस माइनस वी एस बी से मेरा 140 फोर्टी किलोमीटर आ रहा है वी यू एस बाई टू से हंड्रेड किलोमीटर आ रहा है सो मैक्सिमम वैल्यू इज 140 फोर्टी एंड उसके लिए हम लोग वर्टिकल uh, सिरप्स का डिज़ाइन करेंगे बेंटअप बार्स तो प्रोवाइड करना ही है जो सिक्सटी किलोमीटर रजिस्ट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम इट वर्टिकल सिरप्स भी हमको साथ में प्रोवाइड करना है बिकॉज ओनली बेंटअप बार्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर टेकिंग द टोटल डिजाइन शीयर फोर्स वॉट इट आगे आप लोगों को समझ में किस तरह से कैलकुलेट हुआ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे यहाँ पर आंसर आएगा वन फोर्टी किलोमीटर यहाँ पर आंसर आएगा क्लियर वेरी गुड इट इज बाई वेकम, बी नहीं, डब्ल्यू ए सी ओ एम आंसर इज वन फोर्टी इन दिस केस एंड इन दिस केस आंसर इज हंड्रेड न्यूटन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बेंट अप बार्स आ रहे हैं तो बेंट अप बार्स के सिवाय वर्टिकल रेनफोर्समेंट वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट किसके लिए प्रोवाइड करना है ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा अब हम लोग ने तीनों टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट देख लिए कि अगर टाउवी इज ग्रेटर देन टाउसी अगर उसकी वैल्यू से बढ़ रही है तो हम लोग तीन टाइप के ऑप्शन है हमारे पास एक वर्टिकल स्टिरप्स एक इंटलाइंड स्टीरप्स और तीसरा था बेंटअप बार्स ठीक है दिस वर्टिकल स्टिरप्स जो हम लोग इस तरह से वर्टिकली प्रोवाइड करेंगे हम लोगों ने देखा ये किस टाइप के होते हैं इस टाइप के होते हैं वर्टिकल स्टिरप्स फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो उसको इंटलाइंड वे में भी प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज इंटलाइंड इसको हम लोग इस तरह से इंटलाइन करके प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि अल्फा की वैल्यू इट शुड नॉट बी लेस देन 45 डिग्री एंड थर्ड हमारा था बार्स सो so हमारा जो नेक्स्ट केस था कि के टाउवी की वैल्यू बढ़ रही है टाउसी से तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब द नेक्स्ट लास्ट केस इज केस फोर विच इज इफ टावी इज ग्रेटर देन टाउसी मैक्स ये दिस चेक इज डन Avoid diagonal compression failure. And if this happens, if tau v gets increased uh, gets increased, then tau c max, then what we have to do? We have to redesign the section. टाउसी मैक्स किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट सो हम लोग चाहे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा देंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने से क्या होगा कि टाउसी मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी टावी क्या है इट इज़ द नॉमिनल शीयर स्ट्रेस सो हम लोग में हम लोग उसमें क्या देखते हैं एक तो शीयर फोर्स आता है और उसका क्रॉस सेक्शन आता है तो हो सकता है हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें या फिर हम लोग कर सकते हैं कि जो उस पर uh, uh, शीयर फोर्स आ रहा है वो हम लोग कम कर दें सो so, ये सारे ऑप्शन है जिससे हम लोग रीडिज़ाइन करके जो टाओवी की वैल्यू है उसको टाउसी मैक्स से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चलो हम लोग डिजाइन स्टेप्स लिखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिजाइन स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे उस फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंड वी विच इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी

टाउवी शुड नॉट बी ग्रेटर दैन टाउसी मैक्स ये वाला केस ये वाला चेक हम लोग पहले ही लगा देंगे इस, इसलिए हमको पता चल जाए कि सेक्शन रीडिज़ाइन तो नहीं करना है सो so, यहाँ से हम लोग ने चेक करने के बाद नाव वी विल आफ्टर चेकिंग इट फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउसी फ्राम टीबल नाइनटीन टीबल नाइनटीन किसका आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड का फ्टर फाइंडिंग टाउसी नेक्स्ट स्टेप इज अब हम लोग कंपेयर करेंगे ठीक है उसमें हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे इफवी इज लेस देन जीरो पॉइंट फाइव टाउसी टाउवी की वैल्यू इफ लेस देन जीरो पॉइंट फाइव टाउसी नो शेयर एन्फोर्समेंट इफसी इफ अगर इस रेंज में आ रही, आ रही है उसकी वैल्यू तो हम लोग मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम लोगों ने देखा ए एस वी डिडेड बाई बी एस वी शुड लेस देन और शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर डिवाइड बाई जीरो सॉरी जीरो पॉइंट एट सेवन वो वाला जो हमने फॉर्मूला देखा था ना रुको जीरो पॉइंट फोर डिवाइड बाई जीरो

कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितना हमको प्रोवाइड करना है आफ्टर दैट अगर उसकी वैल्यू टाउसी से बढ़ रही है तो हम लोगों ने क्या किया डिजाइन किया फॉर शेयर इफ टाउसी सॉरी इफ टाउसी इज लेस देन टाउवी इज लेस देन टाउसी मैक्स टाउसी मैक्स से तो ये वैल्यू कम ही होनी चाहिए देन वी विल मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देन वी विल डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट फिर इसमें तीन ऑप्शन आएंगे इंटलाइन स्टिर वर्टिकल स्टिरप्स एंड बेंटअप बार्स एंड इफ इफवी इज ग्रेटर देन टाउसी मैक्स वॉट विल वी डू वी विल री डिजाइन द सेक्शन ठीक है आप ये डिजाइन स्टेप्स लिख लो एंड हम लोग जिस uh, जब डिजाइन करेंगे जो, तो जो हम लोग जो फर्स्ट इप प्रोवाइड करते हैं इट इज एट द फिफ्टी एम एम फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट उसके फिफ्टी एम mm डिस्टेंस पर मींस फाइव सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम लोग फर्स्ट स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो आर द डिजाइन स्टेप्स अब हम लोग क्वेश्चन अभी करें डिजाइन का एक टाइम तो है वैसे आप सॉल्व करोगे मैं डिजाइन का एक क्वेश्चन लिखा दूं आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन ही है कर लेते हैं चलो तो कर लेते हैं यही स्टेप्स हमको फॉलो करके एक डिजाइन का क्वेश्चन करना है अभी हम लोगों ने किया है तो हो जाएगा चलो आप क्वेश्चन लिखो फिर आपको डेटा पेज चेंज हो तो देखना होगा ना तो फिर आप क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो डिजाइन बीम फॉर शेयर ओनली छोटा सा क्वेश्चन है इसमें सिर्फ वर्टिकल के लिए ही डिज़ाइन करना है वो वाला हम लोग कभी कर लेते हैं डिजाइन बीम फॉर शेयर ओनली सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ थर्टी फाइव किलो न्यूटन पर मीटर सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ थर्टी फाइव किलोन्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फीड ठीक है उसका सेल्फीड भी हमको फाइंड करना होगा बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर एंड इफेक्टिव बीम इज सिंपली सपोर्टेड अब सब ट्राई करना ठीक है इसलिए आपको पता चले कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। सेक्शन ये वाला केस केस फोर ये yes, शोर 1.5 मीटर साइज ऑफ बीम इज 300 एमएम mm बाय 600 एमएम ओवरऑल डेप्थ ठीक है इसको ओवरऑल डेप्थ लेना है इफेक्टिव कवर 40 एमएम इज इक्वल टू 40 एमएम mm. And percentage of tensile reinforcement provided at supports are provided at supports are zero point six percent. Use M twenty and FE four one five. तो सबसे पहले हम लोग लोड फाइंड करेंगे कि उस पर लोड आ कितना रहा है आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और फिर क्वेश्चन पढ़ो कि उसमें पूछा क्या है किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा है उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको उसका टोटल डिज़ाइन लोड फाइंड करना होगा तो सबसे पहले टोटल डिज़ाइन लोड फाइंड करो और बताओ कितना आ रहा है मुझे डिज़ाइन लोड के लिए हमको यू जो दिया है वो भी लेना है एंड उसका जो सेल्फ वेट है वो भी लेना है एंड उसके बाद हम उसको फैक्टर करेंगे उसके बाद हम लोग डिज़ाइन लोड जो डब्ल्यू है वो यूज़ करके आगे कैलकुलेशन uh, करेंगे सेल्फ वेट कितना होगा जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू और वन मीटर लेंथ इन टू इसकी वैल्यू आएगी फोर पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है तो टोटल लोड कितना हो जाएगा टोटल लोड इज इक्वल टू four point five plus thirty five which is equal to thirty nine point five kilonewton per meter. So factored load is equal to one point five into thirty nine point five, which is equal to इसकी वैल्यू आएगी 59.25 59 .25 किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है इस तरह से हम लोग सबसे पहले फैक्टर लोड फाइंड करेंगे उसके बाद हम लोग जो उसके इस लोड के कारण जो शीयर स्ट्रेस आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे यस 59.25 वेरी गुड अब नेक्स्ट इज मैक्सिमम शीयर फोर्स एट सपोर्ट देखो हम लोगों ने देखा कि हम लोग शेयर फोर्स है वो क्रिटिकल सेक्शन पर फाइंड करते हैं लेकिन हम लोग अभी इन जनरल सपोर्ट पर ही फाइंड करके पूरा इसका कैलकुलेशन करेंगे लेकिन जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे एक्चुअल में वहाँ पर उसमें फेस ऑफ द सपोर्ट पर अलग होता है उसके बाद थोड़े डिस्टेंस के बाद जो सेंटर होता है वहाँ पर अलग से डिज़ाइन होती है वहाँ पर स्पेसिंग हम लोग अलग प्रोवाइड करते हैं लेकिन इन जनरल अभी अभी हम लोग सपोर्ट पर ही लेकर इसका कैलकुलेशन करेंगे ठीक है सो so, आप सपोर्ट पर देखो मैक्सिमम शेयर फोर्स एट सपोर्ट कितना आएगा वी यू इज इक्वल टू डब्लू इन टू एल डिवाइडेड बाई टू डब्लू हमारा कितना था फिफ्टी नाइन पॉइंट टू फाइव यस फिफ्टी नाइन पॉइंट टू फाइव इन टू लेंथ इसका कितना है सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू ठीक है लेकिन आपको याद रखना है कि क्रिटिकल सेक्शन कब कहां पर होता है टू 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 पॉइंट किलो न्यूटन अब फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ टाउवी टाउवी कितना होगा टू 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 पॉइंट वन एट वेरी गुड केश वीयू बाई बी डी बताओ कौन सा केस आ रहा है टाउवी कैलकुलेट करके अच्छा आपके पास टाउसी आप टेबल सभी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि हम लोग अभी इंटरपोलेशन करने जाएंगे वहाँ पर तो टाइम जाएगा आप टाउसी की वैल्यू ले लो पॉइंट फाइव वन टू हमारे पास कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है एम ट्वेंटी उसके लिए आप पॉइंट फाइव वन टू ले लो एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील इज पॉइंट सिक्स परसेंट ठीक है उसको लेकर आप टाउसी की वैल्यू टेबल से निकालोगे तो इतनी आएगी ठीक है हम लोग अभी टेबल भी देख लेंगे एंड में लेकिन अभी आप टाउसी की वैल्यू डायरेक्टली ले लो पॉइंट फाइव वन टू वी यू है टू 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 पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाई उसका इंटू यहाँ पर टेन रेस टू थ्री हम लोग करेंगे टाउवी इज़ अच्छा अपॉन थ्री हंड्रेड इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर लेना है फाइव सिक्सटी जी आएगा येस वन पॉइंट थ्री टू टू वेरी गुड वन पॉइंट थ्री टू टू न्यूटन्स पर एम एम स्क्वेयर ठीक है ये हमारा टाउवी आ गया अब नेक्स्ट स्टेप इज टाउसी टाउसी हम लोग टेबल नाइनटीन से जाकर देखेंगे तो इसकी वैल्यू इन द रेंज आएगी और उसको हम लोग इंटरपोलेट करेंगे इंटरपोलेशन तो आपको आता है मुझे पता है सो so, आप लोग क्या करेंगे टेबल नाइनटीन पर जाकर डायरेक्टली टाउसी की वैल्यू इंटरपोलेट करके यहाँ पर लिखेंगे विच इज पॉइंट फाइव वन टू ठीक है सो so, हमारा कौन सा केस आया ये टाउवी इज ग्रेटर देन टाउसी टाउवी इज ग्रेटर देन टाउसी अब हम लोग टाउसी मैक्स के लिए चेक करेंगे टाउसी मैक्स इज इक्वल टू एम ट्वेंटी के लिए टाउसी मैक्स कितना होता है टू पॉइंट एट न्यूटन पर mm कितना है अगेंस्ट डायग्नल कंप्रेशन फेलियर ठीक है सो so, ये वाला चेक भी हमारा हो गया अब हम लोग डिजाइन करेंगे फॉर द किसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे टाउवी माइनस टाउसी इंटू बी डी सो अब हमारा केस कौन सा हुआ टाउसी इज लेस देन टाउ वी इज लेस देन टाउसी मैक्स अब हम लोग इसके लिए डिजाइन शेयर एन्फोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है वो हम लोग देखेंगे आप कैलकुलेट करके बताओ टाउ वी टाओ यू वी कितना आ रहा है टाउ यू वी कितना होगा और डायरेक्टली हम लोग वही ले लेते हैं डिजाइन शीय फोर्स डिज़ाइन शीय फोर्स तो हमारा होता है वी यू एस इज़ इक्वल टू टाउ वी माइनस टाउसी इंटू बी इंटू डी कितना आ रहा है वी यूएस टाउवी टाउसी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है वी यूएस कितना आ रहा है बताओ What is the value of VUS? Yes, one thirty six point two four, correct. Yes. वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू फोर किलो न्यूटन अब हम लोग इसके लिए डिज़ाइन करेंगे सो so, हम लोग अभी वर्टिकल वर्टिकल स्टीयर शीयर एन्फोर्समेंट उसके लिए हम लोग करेंगे सो so, अज्यूमिंग हम लोग अभी आप यहाँ पर कंसीडर करो कंसीडर टू लेग्ड एट एम एम डायामीटर स्टरप्स उसके लिए आप लोग कैलकुलेट करो हमारे पास वी आ गया है हमको एफ वाई पता है वो फिक्स कर दिया है फोर वन फाइव बी पता है डी पता है तो हम लोग फाइन करेंगे क्या फाइन करेंगे स्पेसिंग स्पेसिंग बताओ कितना आ रहा है एस वी इजल टू एस वी आया किसी का यस yes, किलो न्यूटन में इसका फॉमुला हम लोगों ने अभी अभी देखा पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस वी यहाँ पर आप इफेक्टिव डेप्थ लेना ठीक है डायमीटर मत ले लेना गलती से डिवाइडेड बाई वी यूएस ग्रेड ऑफ स्टीटअप फोर वन फाइव ये फोर वन फाइव दिया है वो उसी के लिए दिया है मैंने सिर्फ अब वैल्यूज पुट करनी है पॉइंट एट सेवन इंटू फोर वन फाइव इंटू ए एस वी इज इक्वल टू टू इंटू ए एस वी कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इज़ इक्वल टू टू फोर एट स्क्वायर इसका वैल्यू याद रखना हमेशा हंड्रेड पॉइंट फाइव थ्री होगा ठीक है हंड्रेड पॉइंट फाइव थ्री एम एम स्क्वा हंड्रेड पॉइंट इंटू उसका इफेक्टिव डेप्थ कितना है फाइव सिक्सटी एंड अपॉन में वी कितना है वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू फोर एंड ये किलो न्यूटन में है तो इसको मीटर में न्यूटन में करना मत भूलना यहाँ पर इंटू टेन रे टू थ्री ये सारी मिस्टेक्स है आप एग्जाम में कर सकते हो वो सारी मैं एक ही साथ बता रही हूँ सो जस्ट बी अब वन यस वन फोर्टी नाइन अच्छा एक सेकेंड मैंने आपको स्पेसिंग आ, किस तरह से फाइंड करना है मिनिमम स्पेसिंग सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग नहीं लिखा है ना आप लिख दो रुको इसके बाद आप लोग लिख देना ठीक है ये वाला जो पेज है डिजाइन स्टेप्स उसके पहले यहाँ पर ओके यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग स्पेसिंग हमको uh, स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए एंड इंक्लाइन स्ट्रप्स के लिए उसके लिए हम लोग लिख देते हैं स्पेसिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पेसिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पेसिंग इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ठीक है इससे ज़्यादा हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं मिनिमम ऑफ पॉइंट सेवन फाइव डी देन डी देन थ्री हंड्रेड एम एम एंड जो हमारा फर्स्ट uh, वाला था ना uh, वो मिनिमम वाला क्राइटेरिया एस वी डिवाइडेड बाई बी इन टू एस वी शुड बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट सेवन एफ फाइव उसके लिए भी चेक करना है एंड पॉइंट एट पॉइंट सेवन फाइव डी इज फॉर वर्टिकल सिरप्स ये वाला पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लो एंड डी इज़ फॉर इंटलाइंस रब्स इंटलाइंस रब्स में हम लोग स्पेसिंग ज़्यादा रख सकते हैं कितना है डी एंड mm, थ्री हंड्रेड एम एम ठीक है इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हमको लेनी है ये ये क्राइटेरिया हम लोग कब चेक करेंगे हम लोगों ने यहाँ पर ये चेक कर लिया और कितना आया हमारा यहाँ पर स्पेसिंग वन फोर्टी नाइन पॉइंट वन नाइन एम एम अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मिनिमम स्पेसिंग हमको कित हम, हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं सॉरी मैक्मम इज़ मिनिमम ऑफ मैक्सिमम स्पेसिंग इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जो हम लोगों ने सबसे पहले लिया वन फोर्टी नाइन पॉइंट वन नाइन एम एम जो हमारा आया ठीक है फिर जीरो पॉइंट सेवन फाइव डी ये कितना आ रहा है पॉइंट सेवन फाइव इंटू फाइव सिक्सटी फोर ट्वेंटी फिर ये डी हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ये तो वर्टिकल स्ट्रप्स है थ्री mm, हंड्रेड एम एम एंड हम लोग इसके लिए भी चेक करेंगे विच इज़ जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई ए एस वी डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फोर बी ये वाला एस पी भी हम लोग चेक करेंगे ठीक है इससे वैल्यू कितनी आएगी जीरो पॉइंट एट सेवन इंटू फोर वन फाइव इंटू ए एस वी हंड्रेड पॉइंट फाइव थ्री डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फोर इन टू कितना की है हमको क्वेश्चन में थ्री हंड्रेड ठीक है so, ये वाला वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे एंड इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ये वन टू थ्री एंड फोर वो वाला स्पेसिंग हम लोग लेंगे यस वन वन पॉइंट वन वेरी गुड सुंदर फोर वन फाइव पॉइंट्रेड पॉइंट फाइव थ्री डिड बाई जीरो हंड्रेड इससे आंसर आएगा थ्री जीरो टू इससे आंसर आएगा थ्री जीरो टू पॉइंट फोर सिक्स एम एम क्योंकि ये तो मिनिमम रेनफोर्समेंट uh, का क्राइटेरिया है ना तो इससे आएगा 302.46 mm ठीक है सो तो हम लोग 149.19 अगर आ रही है देन वी विल प्रोवाइड द स्पेसिंग ऑफ 140 mm तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे प्रोवाइड टू लेग्ड 8 mm डायमीटर स्टिरप्स एट येसिंग ऑफ वन फोर्टी एम एम अब देखो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई वन फोर्टी एम एम मीन्स फोर्टीन सेंटीमीटर अप्रॉक्स आ रही है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना इस वाले फॉर्मूला से पॉइंट एट सैन एफ आई ई एस वी इन टू डी डी एट यू एस तो, तो वैल्यू बहुत कम आके आ, आती है फॉर एग्जाम्पल से फिफ्टी ई एम एम सो फाइव सेंटीमीटर सब इतनी कम स्पेसिंग आ रही है तो हम लोग इतने सारे स्टिरप्स प्रोवाइड करने में दिक्कत आ सकती है तो हम लोग क्या करते हैं एट एम mm एम की जगह जो डायमीटर ऑफ स्टिरप्स है वो बढ़ा देते हैं टेन एम एम ट्वेल्व एम एम उस तरह से हम लोग बढ़ा कर भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो हम लोग किस तरह से कन्वीनियंटली हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उस तरह से हम लोग डायमीटर ऑफ स्टिरप्स पहले सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम लोग उसका स्पेसिंग सिलेक्ट करके उसको राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ टेन लोअर वैल्यू लोअर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ टेन ठीक है सो विल प्रोवाइड टू लैक एट एम एम डायमीटर एट स्पेसिंग ऑफ वन फोर्टी एम एम सो दिस इज हाउल डिजाइन फॉर वर्टिकल स्टीरप्स अब जिस तरह से मैंने आपको इंटलाइन स्टिरप्स एंड बेंटअप बार्स कहा उस तरह उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे उसके क्वेश्चन आते नहीं है जनरली लेकिन आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे सो so अगर आपको उसके लिए करना है दें उसके लिए भी आप कर सकते हैं अब हम लोग uh, सिर्फ आई एस कोड एक बार देख लेते हैं रह नहीं गया है, ना पॉइंट क्योंकि कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके सारे पॉइंट्स कर हो गए हैं अब किस तरह से आई एस फोर फाइव सिक्स में लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स आपको गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ ट्वेल्व एम एम तक होता है सुंदर बट मैं शेयर कहाँ पर करूँगी लेक like, uh, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं शायद नोट शेयर नहीं कर सकती हूँ मुझे पूछना पड़ेगा आई विल आस्क एंड देन मैं ऐसा होता होगा तो ग्रुप में रख दूंगी ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है रख दूँगी मैं हाँ टेलीग्राम ग्रुप जो है लेट्स क्रे गेट एंड ये सी सिविल उसमें रख दूंगी मैं पेज नंबर सेवेंटी और शीयर हाँ ऐसा होगा तो फिर अगर नहीं होगा तो कल सुबह मैं फाइव मिनट्स पहले आ जाऊंगी आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेना जो आपके स्टार्टिंग के चार पाँच छः पेज रह गए हैं उसका ओके देखो यहाँ पर गिवन है देखो क्या लिखा है स्टेट ऑफ फॉर सेक्शन यस सुंदर स्टार्टिंग आज का लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड ही है अच्छा आप लोग जाके रिकॉर्डेड सेशन में से भी कर सकते हैं हाँ रिकॉर्डेड सेशन से भी आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना कोई बात नहीं वहां से भी हो जाएगा क्योंकि शायद ग्रुप में हम लोग नहीं रख सकते हैं ना पी इसलिए मैं बात करके फिर आपको ऐसा होगा तो रख दूंगी लिमिट स्टेट ऑफ कोलेब्स फॉर शेयर उसमें सबसे पहले आज हम लोगों ने डिफाइन किया था और टाइप्स ऑफ शेयर शेयर स्ट्रेस में कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा था वी इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी एंड फिर मैंने आपको फॉर बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ के लिए भी बता दिया था वी इज इक्वल टू वी यू और माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा टा बी डी आप लोगों के पास कोड है देन इट इज़ वेरी गुड आप वहां से भी देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर वी यू क्या है बी क्या है डी क्या है इस तरह से सारा गिवन है अब उसके बाद देखो यहां पर नेगेटिव साइन इन द दॉर्मला अप्लाइज व्हेन बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज न्यूमेरिकली इन द सेम डायरेक्शन एज इफेक्टिव डेप्थ डी इंक्रीज एंड पॉजिटिव साइन व्हेन मोमेंट डिक्रीज न्यूमेरिकली इन दिस डायरेक्शन ठीक है अब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन बीम विदाउट शेयर एनफोर्समेंट इज गिवन इन टेबल नाइनटीन टेबल नाइनटीन आगे गिवन है आप लोग फिर देख लेना एंड उसके बाद सॉलिड स्लैब्स के लिए हमको ज़रूरत नहीं है हम लोग जस्ट बीम के लिए अभी डील कर रहे हैं उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मेम्बर्स अंडर एक्सिल कंप्रेशन अब देखो मैंने आपको ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया है और एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है लेकिन फिर भी आपको नोट डाउन करना है तो कर लो क्या होता है कि कभी कभी जब जो मेंबर्स एक्सियल कंप्रेशन के अंदर होते हैं मीन्स इफ दे आर अंडर द एक्सियल कंप्रेशन इस तरह से अगर उसमें एक्सियली कंप्रेशन आ रहा है देन हम लोग जो शीय uh, स्ट्रेंथ है उसको डेल्टा फैक्टर से इंक्रीज कर देते हैं ठीक है डेल्टा क्या होता है वन प्लस थ्री पी अपॉन ए जी इंटू एफ सी के बट इट शुड नॉट एक्सीड वन पॉइंट फाइव सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन पी यू अगर पी यू एक्ल कंप्रेशन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई द फॉलोइंग फैक्टर ठीक है सो so, तब हम लोग ये वाला फैक्टर यूज करेंगे मैं इतना ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर बहुत ज्यादा करने में जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो आप भूल जाओगे इसलिए फिर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको लिखा दी है उसके सिवाय भी कोर्ट में तो बहुत सारी गिवन है देखो फिर विथ शियर एन्फोर्समेंट अंडर नो सर्कमस्ट्रेंथ इवन विथ शेयर एनफोर्समेंट शेल नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एंड बीम्स इट शुड नॉट एक्सीड ठीक है एंड नो सर एंड देन इट इज गिवन मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था एंड टावी इज लेस देन टाउसी मिनिमम शेयर एन्फोर्समेंट उसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पर गिवन है देन डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट एंड टाउवी एक्सीड्स टाउसी अच्छा यहाँ पर uh, Uh, ये सेक्शन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव पॉइंट वन पॉइंट सिक्स उसमें लिखा है कि अगर फिफ्टी परसेंट है देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फिर टाइम मिला तो ये वाला सेक्शन भी आप लोग देख लेना देन डिजाइन फॉर शेयर एनफोर्समेंट इज फॉर वर्टिकल बेंट बेंटअप बार्स अलॉन्ग स्टिरप्स अब नेक्स्ट इज गिवन इन पेज से ये भी देख लो हम लोगों ने अभी लिया था ना पॉइंट सिक्स था ना हमारे पॉइंट सिक्स के करस्पॉन्डिंग एम ट्वेंटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारी वैल्यू लाई कर रही थी ठीक है इसको इंटरपोलेट करके हम लोग यहाँ से टाउसी निकालते हैं लेकिन एग्जाम में आप डोंट वरी वहां तो आपको दे देंगे दिस इज डिजाइन शीयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टाउसी और ये टाउसी मैक्स की वैल्यूज ठीक है इन लोगों ने फॉर्मूला नहीं दिया है जस्ट इन लोगों ने वैल्यूज लिस्ट लिस्ट की है जो हम लोगों ने आ, लिस्ट की ठीक है दिस इज टाउसी मैक्स ये भी गिवन है आपको देन फॉर वर्टिकल स्टीरप्स ये वाला फॉर्मुला हम, हम लोगों ने लिखा देन फॉर इंटलाइन सिरप्स हम लोगों ने ये वाला फॉमूला भी लिख लिया एंड फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरल बार्स ऑल बेंटअप एट द सेम क्रॉस सेक्शन वी यू एस इज टेकन एज पॉइंट एट से ए एस वी साइन अल्फा देखो अल्फा गिवन है एंगल बिटवीन इंक्लाइंस स्टिरप्स और बेंटअप बार एंड द एक्सेज ऑफ मैम्बर एंड नॉट लेस दैन फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है वरना इट विल नॉट बी इफेक्टिव सो इट शुड नॉट बी लेस देन फोर्टी फाइव डिग्री एंड इज़ द इफेक्टिव डेप्थ जितना इम्पोर्टेंट कोडल गाइडलाइंस हैं वो तो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर ही लिए हैं आज अब इसके बाद यहाँ पर जो सारे पोर्शन गिवन है वो सारे ज, जैसे पर लिखा है एनहानस शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन क्लोज टू सपोज तो ये सारा एक्स्ट्रा है सो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना तो so अगर आपके पास टाइम है आप बाद में रीड कर सकते हैं इसको एक बार देखो यहाँ पर शायद गिवन है नेक्स्ट पेज पर वो वाला जो हमने फिगर बनाया था ना वो भी इसमें डिफाइंड है कोई बात नहीं आप जब कोड पढ़े तब देख लेना जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर है उसके लिए ठीक है तो विल मीट टुमारो एट नाइन ए एम और हम लोग बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ वाला सेक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है देन दे कैन आस्क मी आफ्टर दैट आई विल क्लोज द सेशन ओके चलो तो कल मिलते हैं और आज फोर थर्टी को हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और शियर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम लोग फोर थर्टी को डिस्कस करेंगे ठीक है हम्म हम लोगों ने अभी नहीं देखा वो एक्सियल कंप्रेशन अगर लग रहा है तो एक्सियल कंप्रेशन मीन्स वो कंप्रेशन मेंबर तो हुआ ही लेकिन उस पर अगर एक्जियली कंप्रेशन आ रहा है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है देब समझे आप अभी तो कंप्रेशन मेंबर हम लोग पूरा डिजाइन करेंगे कॉलम कॉलम की डिजाइन हम लोग पूरी पढ़ेंगे यस। कॉलम से पहले हम लोग टॉर्शन की डिजाइन कर लेंगे बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ देख लेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे ज स्टॉप वी विल मीट एट फोर थर्टी ऑन एन अकेडेमी ठीक है फोर थर्टी को हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है उसका येस डेल्टा इंटू देखो यहाँ पर केशो आपको जो टाउसी की वैल्यू वहाँ पर मिल रही है टेबल में उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग दिस फैक्टर वन प्लस थ्री पी अपॉन एजी टू एफ सी के ई जो है वो एक्सल कंप्रेसिव फोर्स है एजी इज द ग्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट कॉन्क्रीट एंड एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके उसकी जो टाउसी की वैल्यू है वो और हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं यस ठीक है क्वेश्चन अभी तक इससे आया नहीं है शायद ई में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया है वन प्लस थ्री पी अपॉन ए के लेकिन उसमें नहीं आया है ठीक है दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन एन अगर आप uh, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहें तो वहाँ से ये भी देख सकते हैं एंड आज फोर थर्टी को यहीं पर हम लोग शेयर uh, के लिए प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की जो भी गेट एंड ई एस एंड गेट के जो क्वेश्चन आए हैं उस दोनों की क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छा ओके okay, आप उसको बता रहे थे एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन द प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ दिस कोड सो दैट यू कैन गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट यू कैन जस्ट फिल दिस फॉर्म एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी चलो So, we will meet at 4 30 on Unacademy and uh, we will meet tomorrow at 9 a.m. with the another new topic. Goodbye to all. Have a nice day and enjoy your day. Thank you. Thank you so much for joining me today.